हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ रशिका, और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं PT 365, जो कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशन की है। तो काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है, ये शायद हमारी पार्ट 5 होगी। इससे पहले और भी पार्ट आ चुकी है, तो बस आपको एक काम करनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में आकर आप हर एक डिफरेंट चैप्टर की, डिफरेंट सब्जेक्ट की जो भी PT 365 है वो आप देख सकते हो। पॉलिटी कंप्लीट हो गई, पॉलिटी के देख सकते हो, इकॉनमी है, साथ ही साइंस एंड टेक है, और इन्वायरमेंट है, और सोशल इश्यूज़ की भी एक लेसन आ चुकी है। तो इतने सारे PT 365 की लेसन चल रही है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन, तो इसमें भी काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। देखिए आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैं आपको कंटेंट के हिसाब से ही बताते चलती हूँ। तो इंटरनेशनल इवेंट्स कुछ देख रहे थे, इंडिया ईरान यूएसए स्टैंड ऑफ देख चुके थे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूएसए और जो तालिबान एग्रीमेंट है इससे। बाकी देखते हैं कि कितनी लेसन हम लोग आज कंप्लीट कर पाते हैं, और फिर भी आप लोग देख सकते हो कि अभी भी टॉपिक बची हुई है, तो एक दो लेसन और आएगी, फिर मैं इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूंगी। तो यहाँ पर आगे चलने से पहले जो मैं लास्ट लेसन में कुछ क्वेश्चंस पूछी थी उसके आंसर बता देती हूँ, साथ ही आज आपके लिए कुछ फ्रेश क्वेश्चन है जिसके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देनी है। तो ये 3 क्वेश्चन मैं पूछी थी आपसे। फर्स्ट है कि डुकम पोर्ट ये ओमान की है, तो आपको बताने कि ये किस लिए न्यूज़ में थी। सेकेंड है कि यहाँ पर जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट है आपकी यूएस की, तो इंडिया के साथ छोड़िए, यहाँ पर बस आप जो यूएस की 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट है इसका नाम बताना था। थर्ड है कि काउंसिल ऑफ यूरोप क्या है, इसके बारे में बतानी थी। आइए आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट है कि डुकम पोर्ट जो कि ओमन में है, तो इंडिया जो है ना इस पोर्ट की एक्सेस ले चुकी है, अब ये इंडिया के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा, वो भी मिलिट्री इस्तेमाल के लिए। ओके, आप लोग लिख रहे थे कि ऑपरेट किया जाएगा इंडिया के द्वारा, तो इट्स ओके, बट ये मिलिट्री यूज़ के लिए हम लोग इस पोर्ट को इस्तेमाल करेंगे। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, यू हैव टू रिमेंबर। सेकेंड है कि यहाँ पे जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जिसको हम लोग GSOME कह रहे हैं, MIA कह रहे हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी स्पेलिंग आप लोग ने गलत लिखी है, मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट ने इसकी स्पेलिंग गलत रखी है। मैं समझ गई थी कि आप कहना क्या जा रहे हो, लेकिन फिर भी आप लोग को ये करेक्ट शॉर्ट फॉर्म भी पता होना चाहिए, ये GSOME है। ओके, तो ये आप लोग फुल फॉर्म भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। सेकेंड है लेमुआ, जो कि ये आपका साइन किया गया है 2002 में। सेकेंड है हमारी लेमुआ, लेमुआ स्टैंड फॉर लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जो कि ये साइन किया गया 2016 में। फिर है कॉमकासा, मींस इंडिया के साथ ये साइन किया गया, ये 4 आपकी फाउंडेशनल एग्रीमेंट जो है यूएस की है, लेकिन इंडिया के साथ जो है 4 में से 3 साइन की गई है। अभी लेटेस्ट बेका पे बात हो रही थी, तो बेका पे भी साइन किया जाएगा, लेकिन ये 4 में से 3 कौन कौन है, तो यहाँ पे GSOME है, जिसमें कि साइन कर चुके हैं ऑलरेडी, सबसे पहले हम लोग साइन किए 2002 में, उसके बाद यहाँ पे लेमुआ में साइन किए हैं लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जो कि 2016 में साइन किया गया। थर्ड है कॉमकासा, जो कि कम्युनिकेशन कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जो कि 2018 में हम लोग इसको साइन किए। और लास्ट है बेका, इट मींस बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। तो ये भी आपसे एक होता है ना कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे पूछ लिया जाता है, ये एक फेवरेट टाइप की क्वेश्चंस बनाने का सीरीज़ आज के ट्रेंड आज के डेट में चल चुका है यूपीएससी का। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले जो है GSOME इसको साइन किया 2002 में, फिर 2016 में लेमुआ है, 2018 में कॉमकासा है, एंड आई थिंक दैट कि 2020 या फिर 21 तक में बेका भी हो जाएगा। ओके, इस पर बात किया गया था अभी जो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ था, तो उसमें इसको बात की गई थी। तो ये 4 यहाँ की यूएस की फाउंडेशनल एग्रीमेंट है, तो इसका भी आप लोग को ध्यान रखना है। थर्ड है कि काउंसिल ऑफ यूरोप की बात करें, तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए इसको सेटअप किया गया था, साथ ही ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, और रूल ऑफ लॉ को, जो भी यहाँ पे यूरोपियन के कंटिनेंट है इसी में आपका देखा जाता है, तो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके का काउंसिल ऑफ यूरोप का गठन हुआ था। तो ये 3 क्वेश्चन का ये आंसर रहा, आई होप कि आप लोग को समझ में आई होगी। आज आप लोग के लिए 4 क्वेश्चन है, वैसे हम लोग लास्ट लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह हम लोग डिस्कस किए थे, तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग देख लीजिए, नहीं देखे हो तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आप लोगों, क्योंकि वेस्ट एशिया की मेजर टॉपिक्स हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं, मेजर क्या, ऑलमोस्ट सभी हम लोग कर चुके हैं जो लास्ट 1 ईयर में थी, और कितना इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो आप लोग जानते हो, तो इसलिए देख लीजिएगा। बाकी कुछ जो मुझे लगा कि आप लोग से पूछना चाहिए वो मैं यहाँ पर पूछ रही हूँ, पूछने के लिए तो बहुत कुछ होता है, बट मैं उसको लिमिट कर देती हूँ 3 ही क्वेश्चन में, लेकिन अब मैं 4 क्वेश्चन आपसे लोग से पूछूंगी, फिर अगर मुझे और लगेगा बढ़ाना चाहिए तो बढ़ाऊंगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर में टाइम भी चल जाता है, 5-6 मिनट इसमें चल जाती है, तो और मैं इसको जो है ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन क्वेश्चंस तो पूछने के लिए बहुत होते हैं। फर्स्ट आप लोगों को बताने कि जो आर्कटिक काउंसिल है इसके मेंबर कौन कौन है। सेकंड है कि इंड आर्क जो है ये क्या है, इससे आप लोग क्या समझ रहे हो, याद आ रहा है तो बताइएगा। थर्ड है कि 2 परमानेंट बॉडीज है SCO की, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके बारे में बताना है कि 2 परमानेंट बॉडीज कौन कौन सी है। फोर्थ, यहाँ पे फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं
कि फर्स्ट टाइम इंडिया होस्ट करेगी G20 समिट, लेकिन किस ईयर में होस्ट करेगी ये आपको बतानी है। तो अगर आप लोग को लगता है कि मुझे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, जिससे कि आप लोग को फ़ायदा हो रहा है, आप लोग को लग रहा है कि आप लोग की प्रीवियस लेसन आप लोग देखते हो, तो इससे क्या होता है कि रिविजन हो जाती है, एक रिकॉल सा हो जाता है कि अच्छा ये टॉपिक थी, देखते हैं कि कितना आप लोग को याद है। तो अगर आप लोग को फ़ायदा हो रहा है, आप लोग चाहते हो कि मैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पढ़ाऊँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं ज़रूर आगे से बढ़ाने की कोशिश करूँगी। अल्टीमेटली मुझे जो भी काम करना है वो आप लोग के लिए ही करना है, तो आप लोग की ही पसंद से मैं यहाँ पर सारी चीज़ें करती हूँ। तो आप लोग को अगर लगता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग को और भी चाहिए जिससे आप लोग को फायदा हो रही है, तो मैं ज़रूर उसको बढ़ाऊंगी। ओके, बस एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अब आर्टिकल पे वापस आते हैं। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग US तालिबान एग्रीमेंट से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में किस लिए थी, क्योंकि USA ने क्या करी है कि एक एग्रीमेंट साइन की है, वो भी यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ, और इस एग्रीमेंट का नाम है आपका एग्रीमेंट फॉर ब्रिंगिंग पीस टू अफगानिस्तान। और ये जो साइन किया गया है ना, ये तालिबान के साथ साइन की गई है। तालिबान आज की डेट में आप लोग देखो कि अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुकी है, और US जो है पहले यहाँ पर गए थे कि तालिबान को हटा देंगे, लेकिन वो हटा नहीं पाए। ऊपर से क्या हुआ कि US ही यहाँ पर जो है पूरी तरीके से झुक गए हैं, और US खुद ही अपना जान बचा कर अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि बहुत सारे ट्रूप्स को निकाल चुके, लेकिन अब US चाहते हैं कि उनकी चर्चा भी वहाँ नहीं होना चाहिए, उनका कोई बात भी नहीं होना चाहिए, तो वो इस तरीके का एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किए तालिबान के साथ कि वो यहाँ पे पीस लाएंगे, यानी कि अफगानिस्तान में जो है अशांति पूरी तरीके से फैली हुई है, तो वो यहाँ पे शांति लाने में मदद करेंगे। अब की हाइलाइट्स देखते हैं कि एक्चुअली इस एग्रीमेंट में बातें क्या क्या रखी गई है। सबसे पहला है कि जो फॉरेन फोर्सेस है उसको विड्रॉ कर लिया गया है, यानी कि US जो है वो एग्री हो गए कि अपने नंबर ऑफ़ ट्रूप्स को वो अफगानिस्तान में जो रखे थे उसको कम कर देंगे। पहले यहाँ पर आपका जो है 12,000 था, लेकिन इसको कम करके 8,600 कर दिया गया है, वो भी 135 डेज़ में। तो ये US कर चुकी है और ये अभी और भी करेगी। अगर यहाँ पे तालिबान जो है ना अपने कमिटमेंट को फॉलो करती है, तो सारे US और जो अदर फॉरेन ट्रूप्स है वो भी यहाँ पे अफगानिस्तान को छोड़ देगी विद इन 14 मंथ्स। ये ऐसा कहा गया इस एग्रीमेंट के तहत है। अगर तालिबान इस तरीके के एग्रीमेंट में जो भी यहाँ पे आपका बातें रखी गई है उसको अगर फॉलो करते हैं, तो US के साथ साथ और भी कंट्रीज़ के जो यहाँ पर ट्रूप्स है वो सब कुछ यहाँ पर जो है 14 मंथ्स में हट जाएंगे। सेकेंड, यहाँ पर आपका पॉइंट रखा गया है कि जो भी प्रिजनर है उसको रिलीज़ करना। इस डील में ये भी प्रोवाइड किया गया है, एक प्रिजनर स्वैप होगा। कहने का मतलब है जैसे हम लोग करेंसी स्वैप करते हैं ना कि आप मुझे डॉलर में स्वैप कर दो, मैं आपको उसको रुपीज़ में स्वैप करती हूँ, तो इसी तरीके से का प्रिजनर का स्वैप करना है। कुछ जो 5,000 तालिबान जो प्रिजनर है और 1,000 अफगान सिक्योरिटी फोर्स प्रिजनर है उसको एक्सचेंज किया जाएगा 10 मार्च तक, जब यहाँ पे तालिबान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के बीच में जो है ना बातें स्टार्ट हो जाएगी, और बातें होगी तब इसके बाद जो है तालिबान के जितने भी यहाँ पे प्रिजनर है और अफगानिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्स के प्रिजनर है उनको यहाँ पे स्वैप किया जाएगा। थर्ड, यहाँ पे बातें रखी गई है कि तालिबान को रिकॉग्नाइज़ करना, यानी कि US जो है ना वो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे और वो यहाँ पे कहेंगे कि तालिबान मेंबर्स को जो है ना सैंक्शन लिस्ट से हटा देना है। फोर्थ, यहाँ पे है कि जो टेरर मेजर्स है उसको काउंटर करना, यानी कि जो तालिबान है वो यहाँ पे किसी भी तरीके का टेरर ग्रुप को जो है ना प्रिवेंट करेंगे, वो भी यहाँ पे अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान में किसी भी तरीके का अगर थ्रेट आता है, यानी कि जो US की सिक्योरिटी है उसको थ्रेट पहुँचाती है या फिर US के अलाइज को अगर थ्रेट होती है, तो यहाँ पर तालिबान जो है ना उसको प्रिवेंट करेंगे, यानी वे किसी भी तरीके का टेरर ग्रुप जो है ना अटैक नहीं करेगी यहाँ पर US के ऊपर। उसके बाद इंट्रा अफगान नेगोशिएशन है, जो कि यहाँ पे सारे स्टेक होल्डर जो अफगान सोसाइटी के और तालिबान के हैं वो यहाँ पे कमिट करेंगे इसके लिए, और जो तालिबान है ना वो यहाँ पे चाहते हैं कि वो एक बात स्टार्ट करें, यानी कि अफगान गवर्नमेंट के साथ वो यहाँ पे बात स्टार्ट करें, वो भी 2020 मार्च में। तो ये जो नेगोशिएटिंग प्रोसेस है, तालिबान जो है वो रेसिस्ट कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट टॉक करे यानी कि गवर्नमेंट से, और इसको यहाँ पे अमेरिकन का पपेट भी कहा जा रहा है, यानी कि जैसा अमेरिका कह रही है उसी तरीके से यहाँ पे जो है काम किया जा रहा है। साथ ही परमानेंट और कॉम्प्रिहेंसिव सीज़ फायर जो है वो भी एक आइटम है, जो कि इस तरीके के इंट्रा अफगान डायलॉग और नेगोशिएशन का एजेंडा भी है, तो इस पर भी काम किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस एग्रीमेंट के अंदर रखा गया है, यानी कि US जो है जिस तरीके के एग्रीमेंट में यहाँ पे बात रखी है उस तरीके से तो यही पता चल रहा है कि US जो है ना इसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाह रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें इंडिया की स्टैंड कि हम लोग क्या कर रहे हैं अफगान पीस प्रोसेस के लिए, आपको बताया कि हमारा जो अफगानिस्तान के साथ रिलेशन है काफ़ी अच्छा है, हम लोग वहाँ पे उनके पार्लियामेंट को बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, और पीस प्रोसेस में भी, पीस प्रोसेस यानी कि शांति लाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। तो अब और क्या, किस तरीके से हम लोग मदद कर पा रहे हैं ये देखते हैं। पहले क्या था कि जो इंडिया है वो यहाँ पे अफगान लीड, अफगान ओन्ड और जो अफगान कंट्रोल है इस प्रोसेस को लेकर चलती थी, और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन के साथ। बाद में क्या है कि इंडिया जो है इस तरीके का कमिटमेंट किए कि कोई भी प्रोसेस जो कि अफगानिस्तान को हेल्प कर सकती है
कि अफगानिस्तान एक ऐसा कंट्री निकल कर आए जो कि यूनाइटेड हो, इसमें शांति हो, काफ़ी अच्छे से सिक्योर हो, स्टेबल गवर्नमेंट हो, इंक्लूसिव हो और इकोनॉमिकली वाइब्रेंट नेशन हो, साथ ही साथ यहाँ पे गारंटीड जेंडर और ह्यूमन राइट भी प्रोवाइड किया जाए। तो इस तरीके का अगर गवर्नमेंट होगी तो इस तरीके के प्रोसेस को जो है ना कमिट किया जाएगा इंडिया के द्वारा। साथ ही साथ इंडिया भी 3 यहाँ पे रेड लाइन रखी है इस प्रोसेस के लिए। सबसे पहला है कि सारी इनिशिएटिव और जो प्रोसेस है ना वो यहाँ पे अफगान सोसाइटी के सारे सेक्शन के लिए होनी चाहिए। सेकंड चीज़ है कि कोई भी प्रोसेस जो है ना वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिगेसी को रिस्पेक्ट के तर्ज पे ही रखना चाहिए और पॉलिटिकल मैंडेट होनी चाहिए। थर्ड कि कोई भी प्रोसेस जो है ना उसे कोई भी अनगवर्न्ड जो स्पेस है वो क्रिएट नहीं होना चाहिए जहाँ पर टेररिस्ट और उनके जो प्रॉक्सीस है ना वो फिर से रीलोकेट करें, यानी कि ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं होना चाहिए जिससे कि टेररिस्ट वहाँ पर पनप सके। इस तरीके का वहाँ पर गवर्नमेंट हो जो कि स्टेबल गवर्नमेंट हो, एकदम पीसफुल कंट्री हो, वहाँ पर लोगों को ह्यूमन राइट्स मिले, जेंडर इक्वालिटी मिले और एक ऐसी कंट्री हो जो कि सिक्योर हो, उसमें किसी भी तरीके का थ्रेट नहीं हो। तो इंडिया इस तरीके का पर्सपेक्टिव चाहती है अफगानिस्तान के लिए। ओके, अब आते हैं यूएस चाइना ट्रेड वॉर देखते हैं जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। तो पहले एक बार मैप में देख लेते हैं कहाँ पे ये सारी कंट्रीज़ है। तो इस मैप में मैं बताती हूँ, ये आपका चाइना वाला पोर्शन है और यहाँ पे आपकी यूएस है। ओके, तो ये वाला जो सिस्टम है यहाँ पे इंडिया दिखाया जा रहा है, तो इंडिया के साथ नहीं, ये यूएस और चाइना के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये यहाँ पे है, ठीक है। अफगानिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो ये इंडिया है, यहीं पे पाकिस्तान है, इसके बाद में अफगानिस्तान है। तो ये यूएस अफगानिस्तान की यहाँ पे बात है। इस जगह पे आपको जो है यहाँ पे तालिबान देखने को मिलेगा, फिर इंडिया और जो है अफगानिस्तान की, इस तरीके से रिलेशन है। ओके, अब आइए मैप पे आर्टिकल पे पहले चलते हैं। तो हल्का फुल्का आप लोग को लोकेशन पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी कंट्री है। अब इंडिया यूएस चाइना अगर ट्रेड वॉर की बात करें तो यूएस जो है फॉर्मली यहाँ पे लेबल करी है चाइना को एज ए करेंसी मैनिपुलेटर, यानी कि यूएस का ऐसा कहना है कि चाइना एक करेंसी मैनिपुलेटर है और ये जो है ट्रेड वॉर जो चल रही है, यानी कि एक तरीके का ट्रेड आपका पता ही है। अब आते हैं न्यूज़ में चलते हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा है जैसे कि यूएस ने इस तरीके से कहा है किसी भी कंट्री को कि वो मैनिपुलेटर है, और 1990 के बाद से जब चाइना जो है उसको पहले भी टारगेट किया गया था। तो करेंसी मैनिपुलेशंस होता क्या है? करेंसी मैनिपुलेशन तब होता है जब गवर्नमेंट जो है आर्टिफिशियली अपने एक्सचेंज रेट को यहाँ पे जो है इस तरीके से कम करती है जिससे कि वो किसी अनफेयर एडवांटेज गेन कर सके, यानी कि व्यापार जब किया जाता है तो उसमें जो है करेंसी को इस तरीके से एक्सचेंज किया जाता है कि जिससे अल्टीमेटली जो है ना गलत तरीके से उसी कंट्री को फ़ायदा हो जिस कंट्री की करेंसी को मैनिपुलेट किया जा रहा है। ओके, तो इस तरीके से किया जाता है। तो ये जो मूव है ना, ये आपका पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जो है इसके बाद लाया गया, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना है, और वो यहाँ पे अलाउ की है कि जो यान है ना उनकी करेंसी उसको सडनली डिप्रिशिएट किया जाए। डिप्रिशिएट करने का मतलब है कि जो करेंसी की वैल्यू है वो कम किया जाए, वो भी यहाँ पे डॉलर के रिलेटिव में, क्योंकि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड चलता है वो डॉलर में चलता है, लेकिन अगर यहाँ पे पर्टिकुलर कंट्री अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट करती है, यानी कि अपने वैल्यू को घटाती है, और वो अगर कंट्री अगर आपको देखने को मिले कि एक्सपोर्ट हब है, यानी कि अपने सामान को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते में रहती है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहती है। तो आपको पता है कि चाइना बहुत ज़्यादा मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट उनका ज़्यादा है, इम्पोर्ट उनका कम है। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा करती है तो वो हमेशा आप लोग को पता होगा कि चाइना क्या करती है कि अपने करेंसी को ना डिवेल्यूएट करती है, यानी कि डिप्रिशिएट करती है। अपनी चाइना जो है अपनी करेंसी की जो वैल्यू है उसको हमेशा कम करके जो है वो रखती है, जिससे कि उनको एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो ये काम करती है ये चाइना। तो इसलिए इस बार यूएस के द्वारा कहा गया है कि चाइना जो है ना वो एक करेंसी मैनिपुलेटर है। उसके बाद और देख लेते हैं कि ट्रेड वॉर और क्या है। तो ये ट्रेड वॉर जो है ये कब हुआ? जब एक कंट्री जो है ना रिटेलिएट कर रही है, यानी कि एक कंट्री जो है अपनी इंपोर्ट टैरिफ को अगर बढ़ा रही है, तो इंपोर्ट टैरिफ मान लीजिए कि यूएस बढ़ा रही है, तो चाइना क्या कर रही है कि यूएस के मटेरियल में वो भी अपने इंपोर्ट टैरिफ को बढ़ा रही है, यानी कि रिटेलिएट कर रही है। ये जिस तरीके से काम कर रही है यूएस, उसी का ये जवाब भी दे रही है चाइना। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि यूएस जो है चाइना के प्रोडक्ट में वो यहाँ पे इंपोर्ट टैरिफ जो होता है उसको बढ़ा दिए, तो चाइना भी यूएस के प्रोडक्ट में इंपोर्ट टैरिफ बढ़ा दिए। तो इससे क्या हो रहा है कि दोनों के बीच में कस्सा कस्सी हो रहा है और फिर ये अल्टीमेटली जो है ट्रेड वॉर में कन्वर्ट हो जा रहा है। यूएस और चाइना ट्रेड जो है ना ये हेविली स्क्यूड है हमारे फेवर ऑफ चाइना में। 2018 में अगर हम लोग देखें तो यूएस की अगर चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट देखें तो ये $419 बिलियन है, यानी कि आप लोग देख सकते हो कि ट्रेड डेफिसिट कितना ज़्यादा है। यानी कि ट्रेड डेफिसिट कहने का मतलब कब होता है? ट्रेड डेफिसिट तब होता है किसी कंट्री के लिए जब वो इसको कहते हैं एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, इट मीन्स कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो यानी कि आपका जो है यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट हो गया, यानी कि आपका जो ट्रेड है ना वो घाटे में चल रहा है, मेनली
कभी भी कोई कंट्री यहाँ पे फ़ायदे में कब रहती है, जब वो अपने कंट्री से ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, दूसरे कंट्री को भेजते हैं। अगर दूसरे कंट्री से हम अपने कंट्री में सामान पहुँच मंगवाते हैं तो उससे हमें ही ज़्यादा नुकसान होता है, हमें फ़ायदा नहीं होता है, किसी भी कंट्री को फ़ायदा नहीं होता है। ओके, तो अगर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर चाइना का माल जो है US में ज़्यादा है लेकिन वहाँ से आता कम है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट जो है ना $419 बिलियन का है। US जो है और भी यहाँ पर टैरिफ को इम्पोज कर रही है, वो भी 250 बिलियन डॉलर तक का, वो भी चाइनीज़ गुड में। और ये एक तरीके का एक्यूज़ लगाया जा रहा है कंट्री में कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रही है, यानी कि गलत तरीके से, ये फेयर प्रैक्टिस नहीं है, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, ऐसा कर रही है। और चाइना जो है ना वो फिर से अपने ड्यूटीज़ को हिट कर रही है, वो भी $110 बिलियन जो कि US गुड्स वहाँ पर जा रही है, यानी कि US गुड्स जो जा रही है उस पर भी वो ड्यूटीज़ लगा रही है, और अपने गुड्स और अगर चाइना की गुड्स भी US में जा रही है तो चाइना वाले उस पर ड्यूटीज़ लगा रहे हैं। तो इस डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए US और चाइना जो है ना वो यहाँ पर डिसाइड किए हैं कि वो फेज़ बाई फेज़ एक एग्रीमेंट करेंगे। फेज़ वन में क्या है कि मेनली वो फोकस करेंगे ट्रेड बैलेंस करने में और टैरिफ करने में, यानी कि ट्रेड को बैलेंस करना है और टैरिफ पे वो मेनली फोकस करेंगे। फिर फेज़ टू में क्या करेंगे कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे और ज़्यादा डीपली डील किया जाएगा, वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फोर्समेंट को लेकर, और साथ ही साथ इकोनॉमिक रिफॉर्म जो कि चाइना के साथ करना है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फोर्समेंट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहने का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान जो है अपने आइडिया को इनोवेट करते हैं, अपने इनोवेशन अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं और कुछ भी कुछ नया तकनीक निकालते हैं, कुछ नया खोज करते हैं, कुछ नया चीज़ का इंप्लीमेंट करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट का वो जो है इनॉग्रेट करते हैं या नया प्रोडक्ट का वो जो है मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उस पर क्या होता है ना कि कुछ पेटेंट मिलता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस तरीके से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उस पर और ज़्यादा डील किया जाएगा। जैसे मान लीजिए चाइना के लोग जो है ना नए नए प्रोडक्ट नए नए आविष्कार करते हैं वो लोग, तो वो उस तरीके का हमें क्या बोलते हैं चाइना कि ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट है, मैं इसमें जो है जितना मन उतना जो है इसमें मनी फिक्स कर सकता हूँ, तो ये उनका राइट होता है। तो इस पर बात किया जाएगा। अगर US में भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट का इनोवेशन हो रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और पहली बार हमारे वर्ल्ड में है, तो या ऐसा US को भी ऐसा प्रेफरेंस दिया जाएगा कि वो अपने प्रोडक्ट में मन चाहे जो है वो अपना प्राइस टैग लगा सकते हैं, तो ये चीज़ होती है। सेकंड, यहां पे क्या किया जाएगा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म की जाएगी, चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म का भी बात किया जा रहा है। तो ये जो पहले ट्रेड वॉर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, इस तरीके से हाई हो गया था कि अब ऐसा लग रहा है कि World War III हो जाएगी, तो इतना ज़्यादा हाई हो गया था जिससे कि आप लोग समझ सकते हैं, एक तरफ USA जो कि वर्ल्ड पावरफुल नेशन है, दूसरी तरफ चाइना है जो कि एक एक्सपोर्ट हब है, बहुत सारी कंट्री जो है चाइना के ही मटेरियल पर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट होती है, तो इन दोनों के बीच में जो इस तरीके का वॉर चल रहा था तो और नेशन को जो है ना हमारे इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट हुआ था, साथ ही साथ और भी नेशंस को बहुत ही बैडली इंपैक्ट हुआ था, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इसको रिजॉल्व किया जाए। तो इस डेडलॉक को रिजॉल्व कैसे किया जा रहा है, तो फेज मैनर में किया जा रहा है। डायरेक्टली सब कुछ तो ठीक नहीं हो सकता, धीरे धीरे ही सब कुछ ठीक होता है। एक बार जब रिलेशन खराब हो जाती है तो अचानक से तो आप लोग कभी भी ठीक नहीं कर सकते हो, उसको धीरे धीरे करके ठीक किया जाता है। तो ये लोग भी फेज मैनर में कर रहे हैं, सबसे पहले अपने ट्रेड को बैलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं, फिर उसमें जो टैरिफ लगाया जा रहा है उस पर वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि टैरिफ को भी इक्वलाइज किया जाए। फिर फेज़ टू में आएंगे जिसमें कि वो लोग यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उस पर वो लोग ध्यान देंगे। बाद में जो है ना चाइना की जो इकोनॉमिक रिफॉर्म करना है उस पर फिर फोकस किया जाएगा। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पे आपका एक प्लान बनाया गया है कि किस तरीके से ये जो ट्रेड वॉर था US और चाइना के बीच में इसको बंद किया जाए। ओके, उसके बाद फेज़ वन जो एग्रीमेंट है इसमें क्या क्या है ये देख लेते हैं। US जो है वो यहाँ पे मेंटेन करेगी 25% टैरिफ, और वो किस में, तो चाइनीज़ इंपोर्ट में जो कि $250 बिलियन तक का है, और टैरिफ को भी रिड्यूस किया जाएगा 120 बिलियन तक का, यहाँ पे जो आपका टैरिफ है उसको रिड्यूस किया जाएगा, और वो भी गुड्स में जो कि 7.5% तक। यहाँ पे जो है चाइनीज़ गुड्स जो US आ रही है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो टैरिफ लगाया जा रहा है 25% का, तो वो US की तरफ से टैरिफ लगाया जाएगा, वो भी किस में, तो चाइना की जो गुड्स आ रही है $250 बिलियन का, तो उसमें ये लगाया जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा ना कि 7.5% तक का जो यहाँ पे आपका टैरिफ है वो कम होगा। सेकंड चीज़ है कि जो कमिटमेंट किया गया है चाइना की तरफ से कि वो यहाँ पे बहुत सारे US गुड्स को इंपोर्ट करेगी और सर्विस को भी इंपोर्ट करेगी ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स तक, तो जो टोटल अमाउंट है जिसमें कि ये एक्सीड करेगी चाइना के एनुअल लेवल ऑफ इम्पोर्ट, वो भी वो सारे गुड्स और सर्विसेज के लिए जो कि 2017 में थी, बट यहाँ पे जो है ना $200 बिलियन से ही कम का वो यहाँ पे इंपोर्ट करेगी। यानी कि अब ऐसा चाइना कह रही है कि ठीक है US का जो सामान आ रहा है वो यहाँ पे उसको लेने के लिए रेडी है और अगले 2 साल तक वो उसके सामान को लेगी, लेकिन हाँ 200 मिलियन से कम का ही सामान को वो लेगी। साथ ही ये जो एग्रीमेंट है ना ये एक तरीके का डील है जो कि एक सिद्धांत के ही ऊपर है। इसका मतलब ये है कि चाइना जो है ना किसी भी एग्रीमेंट को किसी भी टाइम पे ब्रेक कर सकती है और US फिर से यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है टैरिफ को। तो ऐसा एग्रीमेंट है कि जिसमें कि चाइना अगर चाहे तो उसको ब्रेक भी कर सकती है और फिर से जो है US अगर चाहे तो उसको फिर से री इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस टैरिफ को। ओके,
अब आते हैं मिडिल ईस्ट पीस प्लान के बारे में। मिडिल ईस्ट में भी आप लोगों को पता है कि थोड़ी बहुत यहाँ पे पीस को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इसी के बारे में देख लेते हैं। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि US के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक मिडिल ईस्ट पीस प्लान को अनवील करी है। और ये क्या है? पीस टू प्रॉस्पेरिटी, एक विज़न है जिसके थ्रू जो यहाँ पे फ़लस्तीन के लोग जो रह रहे हैं ना, उनको इम्प्रूव करना है और इज़राइल के पीपल्स का भी यहाँ पे लाइफ जो है इम्प्रूव करना है। और ये जो इज़राइल फ़लस्तीन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको यहाँ पे सॉल्व करना है। अब पहले मैप में देख लेते हैं कि एक्चुअली ये इज़राइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट है क्या। अब यहाँ पे देख सकते हैं फ़लस्तीन और इज़राइल की स्टोरी, और यहाँ पे 1947 तक का, आज के डेट में बताया जा रहा है ये 1947 का है। स्टार्टिंग से देखिए, ये पूरी ग्रीन वाली जो पोर्शन दिख रही है ये फ़लस्तीन है, और जो वाइट वाली पोर्शन दिख रही है वो इज़राइल है। लेकिन कुछ समय के बाद जो है आप लोग देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे जो है इज़राइल जो है पूरी तरीके से कब्जा करते जा रही है, और यहाँ तक ये कब्ज़ा कर चुकी है और फ़लस्तीन की एरिया बहुत ज़्यादा कम हो रही है। ये ग्रीन वाली फ़लस्तीन है, तो देख सकते हैं कि किस तरीके से सिमट रही है। आगे और आइएगा तो पूरी तरीके से इज़राइल के द्वारा कब्जा कर लिया गया, और अब ये जो फ़लस्तीन वाली एरिया है वो सिर्फ दो जगह बच के रह गई है, एक ये वाली पोर्शन है एक ये वाली पोर्शन है। और आज की डेट में आप लोग देखो कि ये 1947 से अब तक का बताया जा रहा है, ओके। तो ये आज की डेट में आप देखोगे कि तो आज की डेट में ये कहानी है, यानी कि बस यहाँ पे आपकी जो है थोड़ी बहुत फ़लस्तीन वाली एरिया है और यहाँ पे थोड़ी बहुत फ़लस्तीन वाली एरिया है, बाकी हर एक जगह यहाँ पे इज़राइल ने कब्जा कर रखा है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग दूसरी भी पिक में दिखाती हूँ और ज़्यादा आप लोगों का क्लियर होगा। ये आपका बताया जा रहा है कि कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया है, ओके। तो कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया आप लोग देख सकते हो कि जो फ़लस्तीन और हम लोग कह रहे हैं कि इज़राइल की कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया, तो फ़लस्तीन तो अब यहाँ पे बच के रह गई, जिसको हम लोग यहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप कहते हैं और इसको कहते हैं वेस्ट बैंक, ओके। तो वेस्ट बैंक में जो है US ने कहा, क्या कहा है कि वेस्ट बैंक में जो जेरूसलम है ना वो यहाँ पे फ़लस्तीन की कैपिटल है, तो ऐसा US का मानना है, US ने ऐसा कह दिया। अब यहाँ पे तल अवीव है, तल अवीव में हमारे यहाँ पे ट्रूप्स है, और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हो कि ये पूरी तरीके से जो ये रेड वाली है ना, मैरून वाली, ये मरून वाली आपकी इसराइल है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट एरिया है जिसमें कि आप लोग देख सकते हो ये गाजा स्ट्रिप है और ये आपका जो है ये वेस्ट बैंक है। अब और थोड़ा डिटेल आप लोग देखना चाहते हो तो इस कॉन्फ्लिक्ट वाले एरिया को देख लीजिए। इसको टू नेशन थ्योरी भी कहते हैं, जिस पे लास्ट ईयर UPSC ने क्वेश्चंस भी पूछा था कि टू नेशन थ्योरी हम लोग किसके लिए कहते हैं, तो ये इज़राइल फ़लस्तीन के लिए है। तो यहाँ पे इज़राइल आप देख सकते हो पूरे ऑरेंज कलर वाली इज़राइल है, इसके साथ यहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप है और ये वेस्ट बैंक है। इसके बीच में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला है, इसके ऊपर भी मेंस में क्वेश्चंस आई थी सिनाई पेनिनसुला लेकर, तो इसके बारे में आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे गोलन हाइट है जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका एरिया है और ये आपका किसके बीच में है, तो ये इज़राइल है और सीरिया के बीच में है। साथ ही यहाँ पे आप लोग ये सारी एरिया भी देख सकते हो। तो इज़राइल से अगर देखें कि नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है जो कि बॉर्डर शेयर कर रही है, तो ये जॉर्डन है, साथ ही साथ यहाँ पर आपकी जो है सीरिया है, ओके। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे लेबनान भी है। ये प्रॉपर मैप नहीं है जिसमें कि आपको नेबर कंट्री दिख सके, लेकिन आप लोगों को एकदम से हल्का फुल्का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि क्या अगर बातें यहाँ पे क्या चल रही है। तो अब आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या बातें कर रहे हैं। यहाँ पे अगर ट्रंप की हम लोग पीस प्लान देखें कि जो कि यहाँ पे सजेस्ट किया गया इस एरिया में, तो इनका कहना है कि जो जेरूसलम है ये इसकी सॉवरेन कैपिटल है इसराइल की, सॉरी मैं फ़लस्तीन कह दी थी, लेकिन ये इसराइल की जो है सॉवरेन कैपिटल है, कैपिटल ऑफ फ़लस्तीन देखें तो वो भी इस एक सेक्शन में होना चाहिए, ईस्ट जेरूसलम की होनी चाहिए, और इसको अल क्विड्स कहना है, यानी कि इनका कहना है कि इसको अल क्विड्स कहेंगे और जो जेरूसलम है उसको वो इसराइल की कैपिटल बना चुके हैं, तो ऐसा इनका मानना है। साथ ही ये जो प्लान है ये एक तरीके का इसराइली और फ़लस्तीनियन को जो है ना 4 साल देती है कि वो अपने बॉर्डर को एक्सेप्ट करे, जो भी कंसेप्चुअल मैप में है तो वो अपने बॉर्डर को यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी फंड यहाँ पे दिया गया, जिससे कि फ़लस्तीनियन को और उनके जो नेबरिंग अरब स्टेट इकॉनमीज़ हैं उनको और अच्छे तरीके से बूस्ट किया जा सके। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो इज़राइली और जो फ़लस्तीन पीस एग्रीमेंट साइन किया जा रहा है, तो इज़राइल जो है ना वो अपनी सिक्योरिटी को यहाँ पर मेनटेन करेगी, जो भी रिस्पॉन्सिबल है स्टेट ऑफ फ़लस्तीन के लिए, साथ ही यहाँ पर जो भी फ़लस्तीनियन के लिए एस्पिरेशन है तो वो भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा कि किस तरीके से इस एरिया में जो है इंटरनेशनल सिक्योरिटी जो है मेनटेन रहेगी। पोर्ट फैसिलिटी की अगर बात करें तो जो स्टेट ऑफ इज़राइल है वो यहाँ पे स्टेट ऑफ फ़लस्तीन को अलाउ करेगी कि वो यहाँ पे जो भी पोर्ट वगैरह जैसे हाइफा और जो यहाँ पे एसडॉप पोर्ट है उसको यहाँ पे यूज़ कर सकती है और मैनेज कर सकती है, यानी कि ऐसा इज़राइल जो है फ़लस्तीन को ये कह रही है कि वो उनका पोर्ट भी इस्तेमाल कर सकती है। डिसमेंटलिंग ऑफ हमास अगर देखें गाजा स्ट्रिप में, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हमास ग्रुप है जो कि इसको कंट्रोल करती है, तो हमास आज के डेट में जो गवर्न करती है वो गाजा को करती है, तो इसको रिमूव किया जाएगा, जिससे क्या होगा ना कि जो कोस्टल स्ट्रिप है, ये वाली पूरी कोस्टल एरिया है, तो ये जो कोस्टल स्ट्रिप है क्योंकि यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, तो इस एरिया में ना काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट हो पाएगा और इस तरीके के जो यहाँ पर आपका जो एरिया
है ना उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। तो हमास जो ग्रुप है उसको हटाने की बात की जा रही है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो करेंट का यहाँ पे आपका जो आज के डेट में जो मैप है वो इस तरीके से है, और जो प्रपोज़ किया गया है वो इस तरीके से है। यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये पूरी तरीके से वेस्ट बैंक है जहाँ पे पैलेस्तीन है, और ये गाजा स्ट्रीप है जहाँ पे पैलेस्तीन है। लेकिन यहाँ पे प्रपोज़ क्या किया जा रहा है कि इसराइली कॉन इनक्लेव भी रहेंगे। यानी कि यहाँ पे जो वेस्ट बैंक में आपको देखने को मिलेगा पूरी तरीके से पैलेस्तीन है, तो यहाँ पे इसराइली इनक्लेव भी रहने की बात की जा रही है, और गाजा स्ट्रीप को और थोड़ा यहाँ पर इंक्रीज़ किया जाएगा इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। तो ऐसा बात किया जा रहा है पैलेस्तीन और जो है इसराइल के बीच में। अब देखते हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है। इंडिया तो हर जगह जो है अपनी एक बैलेंस बनाकर चलती है। तो इंडिया का क्या कहना है इस तरीके से इसराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। इंडिया बिलीव करती है कि जो टू स्टेट सॉल्यूशंस है और ये यहाँ पे एक बैलेंस तरीके का अप्रोच लेकर ही मेंटेन किया जा सकता है। यहाँ पे इसको सपोर्ट करती है कि एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट इस्टेब्लिश हो, साथ ही एक वेबल स्टेट ऑफ पैलेस्तीन होनी चाहिए जिसमें कि इंडिया की जो रिलेशन है ना वो अच्छे खासी इसराइल की तरह इसराइल के साथ ग्रो हो, क्योंकि हमारी और जो इसराइल की दोस्ती है वो बहुत ही अच्छी है। आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है अभी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किए थे, तो हमारी और इसराइल की दोस्ती बहुत ही पुरानी और बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे टू नेशन थ्योरी जो है, टू नेशन सॉल्यूशंस भी यहाँ पे लेकर चलना चाहिए, जिससे कि जो इसराइल और पैलेस्तीन की जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसके कारण इंडिया और इसराइल की रिलेशंस कहीं ना कहीं डगमगा जाती है, तो वो ना डगमगाए और इनकी जो फ्रेंडशिप है, इनकी जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ते रहे। ओके, उसके बाद ग्लोबल रिस्पांस देखते हैं कि हर एक कंट्री यहाँ पे किस तरीके से रिस्पांस कर रही है इस प्लान को लेकर। तो पैलेस्तीन की अगर बात करें तो वो इस प्लान को रिजेक्ट कर दिए, यानी कि पैलेस्तीन इसके फेवर में नहीं है। इसराइल की बात करें तो वो इस प्लान के फेवर में है और इसको जो है रियलिस्टिक पाथ कह रहे हैं जिससे कि बहुत अच्छा पीस आ सकेगा। इंडिया की अगर बात करें तो फिर से वो इस बातों को, यानी कि टू स्टेट जो सॉल्यूशंस है उसको रीअफर्म करना चाहती है, वो भी स्टेट पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, और साथ ही साथ दोनों साइड से वो पूछना चाहती है कि वो किस तरीके से यहाँ पे जो इशू को रिसॉल्व करेंगे, वो भी डायरेक्ट नेगोशिएशन करके। इंडिया अगर हम लोग चाहते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या चाहते हैं कि डायरेक्ट नेगोशिएशन हो और इससे ये जो आपका प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशंस निकल सके। अगर हम लोग यहाँ पर देखें OIC का, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन है, वो भी इस प्लान को रिजेक्ट कर दिए। ये बहुत बड़ी कॉपरेशन है तो ये भी इस तरीके के प्लान को कर दिए। तो इस प्लान से खुश कौन है? तो खुश है सिर्फ इसराइल, क्योंकि उसी के फेवर में ये प्लान दिया गया है कि नहीं। आप लोग भी एक्चुअली देखोगे तो इसराइल को यहाँ पे पूरी तरीके से एक अथॉरिटी दी गई है। इसराइल के ऊपर ही ये आपका फंडा दिया गया है कि आप जो है पैलेस्तीन को यहाँ पे ऑर्डर दो और पैलेस्तीन को थोड़ा सा फेवर कर दो, पैलेस्तीन को पोर्ट यूज़ करने के लिए दे दो, और इस तरीके का जो है ना पूरी तरीके से ऑर्डर आप देखोगे तो इसराइल के फेवर में। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर US के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो यहाँ पर जेरूसलम को जो है ना इसराइल की कैपिटल बता रहे हैं, जो कि आपका ये पैलेस्तीन वाले एरिया में आता है। तो ऐसा तो पैलेस्तीनियन कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी जो एरिया है वो यहाँ पे कैपिटल किसका घोषित हो जाए, तो इसराइल की घोषित हो जाए। इसलिए हर कोई इसके अगेंस्ट में है। इंस्टेट आपका किसके, ये इसराइल इनके फेवर में है, बाकी सबको इसके अगेंस्ट में है। अब OIC के बारे में देख लेते हैं। बहुत बड़ी ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1969 में इसका गठन हुआ था और इसमें जो आप मेंबरशिप देखोगे ये 57 स्टेट इसकी मेंबरशिप है, 4 कॉन्टिनेंट से। सबसे पहली बात आपको क्लियर करना है कि इंडिया इसकी मेंबर बिल्कुल भी नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स में आप देखोगे तो कलेक्टिव वॉइस देखने को मिलता है, यानी कि मुस्लिम वर्ल्ड का इसमें वॉइस होती है, और ये मुस्लिम वर्ल्ड को ही यहाँ पे सेफगार्ड प्रोवाइड करने के लिए और उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है? तो सबसे पहले अरेबिक है, इंग्लिश है, फ्रेंच है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर अगर हम लोग देखें कहाँ है, तो सऊदी अरेबिया के जेदाह में इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है। तो ये सारी बेसिक चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आप लोगों को तो पूरी तरीके से पता होना चाहिए। पता नहीं क्वेश्चंस कहाँ से पूछ लिया जाए, एक ना एक ऑर्गेनाइजेशन पे ज़रूर क्वेश्चंस होती है, और उसी ऑर्गेनाइजेशन पे होती है जो कि आपके एक साल में न्यूज़ में रहे और बहुत ही ज़्यादा लैमलाइट में रहे। तो UPSC उसको छोड़ती नहीं, उसको पकड़ ही लेती है। देखिए मैं आपको बताऊँ एक फंडा, IR पे ना बहुत ही ज़्यादा एकदम सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आपको IR में ना ज़्यादा दिमाग लगाना और ज़्यादा रट्टा मारने का ज़रूरत ही नहीं है, बस चीज़ों को समझिए कि बातें क्या हो रही है, एक कहानी जैसा सुन लीजिए। आप लोग की भी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टोरी होते हैं, आपके फ्रेंड्स के लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टोरी होते हैं, तो आप लोग कैसे उस चीज़ों को सुनते हो कि अच्छा उसका उसके साथ रिलेशन था, ख़त्म हो गया, कैसे वहाँ पर इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर उसके बाद रिजॉल्व हुआ, फिर बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं सजेशन देते हो। वही बस IR है, इंटरनेशनल रिलेशन। आप हमेशा देखो कि हर एक कंट्री में क्या हो रहा है, उसमें क्या किस तरीके की प्रॉब्लम है, इंडिया का बेसिकली उस कंट्री के साथ कैसा रिलेशन है, और हम लोग क्या करते हैं उस कंट्री के लिए। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। आपसे कभी भी UPSC में ये नहीं पूछा जाएगा ना कि US और ईरान जो आपस में लड़ रहे हैं उसका लड़ने का क्या फ़ायदा है, US को क्या फ़ायदा हो रहा है, चाइना को क्या फ़ायदा हो रहा है। नेवर, कभी नहीं पूछा जाएगा। उससे हम लोग को क्या फ़ायदा हो रहा है, हम लोग क्यों, मतलब कि हम लोग क्यों उस चीज़ पर टॉपिक पर बात करें, उससे कभी भी UPSC ये नहीं पूछेगी, ना ही आपसे ये चीज़ जानना चाहेगी।
इंडिया से ये चीज़ पूछना चाहेगी ना कि उससे इंडिया को क्या इम्पैक्ट हो रहा है, हमें क्या घाटा हो रहा है, हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है और हम उस चीज़ को किस तरीके से लेकर चल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि US और जो ईरान की जो यहाँ पे US और जो चाइना का ट्रेड वॉर हो रहा है उससे हम लोग किस तरीके से बेनिफिट है या फिर लॉस है तो किस तरीके से लॉस है। दैट्स इट, अपना इफेक्ट देखना है, अपना यहाँ पे काम देखना है। ओके, जैसे कि यहाँ पे टू नेशन यहाँ पे स्टेट के बारे में पूछा गया था तो ये इंडिया की तरफ से कहा जाता है, तो इंडिया से ही तरफ से पूछा गया ना कि टू नेशन थ्योरी हम लोग किसको दे रहे हैं, तो यानी कि इसराइल पैलेस्तीन को दे रहे हैं। ये थोड़ी कभी पूछा जाता है कि इसराइल जो है पैलेस्तीन पे कब कब्जा किया, इसराइल जो है पूरी तरीके से कब जो है पैलेस्तीन को जो है जड़ से उठाकर हटा दिया, 1947 से आज तक इसराइल का क्या अस्तित्व रहा, कभी ऐसा नहीं पूछेगा UPSC। ठीक है, तो आप लोग दूसरे ऐसा मत सोचिए, बहुत लोग जो है IR को लेकर बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, उनको लगता है कि ये क्या हो गया, पूरे वर्ल्ड का पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप लोग को बेसिकली समझना होगा कि ना क्या है आपको और किस तरीके से पढ़ना है, किस पे फोकस करना है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है NAM, नॉन अलाइन मूवमेंट समिट। अभी ये समिट हुई थी तो कहाँ हुई है, अजरबैजान के बाकू में हुई है। ओके, और यहाँ पे कौन अटेंड किए थे, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने अटेंड करी है। ये किस नंबर की NAM समिट है, तो ये 18 नंबर की NAM समिट है। इंट्रोडक्शन में ही इतने सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं ना कि आप लोग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स की पेपर निकाल के देख लो, आप लोग कंफ्यूज़ हो जाओगे, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इसको अलग तरीके से आप लोग को नोट डाउन करना है, आपको रेगुलर रिवाइज़ करनी है, तभी आप लोग इस तरीके के इंट्रोडक्शंस को इस्तेमाल कर पाओगे। सबसे बड़ी बात होती है थीम, हर एक सबमिट की अपनी ही थीम होती है, थीम कैसे याद करोगे, तो ये सारी चीज़ें एक बार मैं पढ़ा दूँ आपको याद नहीं होगा, ये सारी चीज़ों पर अपना ही आपको एफर्ट्स लगानी होगी। तो आप लोग को यहाँ पर थीम क्या है ये देख लीजिए, अप होल्डिंग द बंडंग प्रिंसिपल टू इंश्योर कंसर्टेड एडिक्वेट रिस्पॉन्स, जो कि हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के लिए चैलेंजेस हैं। ये सेकेंड टाइम है जिसमें कि PM नरेंद्र मोदी जो है इस समिट को स्किप किए है, तो NAM ऑलरेडी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि PM मोदी इसमें नहीं गए, इसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट गए हैं, तो आप लोग को समझ जाना चाहिए कि NAM से क्वेश्चंस बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे NAM के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। NAM की अपनी ओरिजिन है एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस में, जो कि कहाँ पे है, तो बंडंग में है, और ये कहाँ है, इंडोनेशिया में। तो यहाँ पे 10 प्रिंसिपल है बंडंग की, जो कि प्रोक्लेम करती है कि इस तरीके से यहाँ पे जो NAM की कॉन्फ्रेंस होगी। तो NAM का जो फाउंडेशन हुआ था वो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस आपको 1961 में देखने को मिलेगा, और ये इंडिया के लीडरशिप के द्वारा किया गया था, जो कि जवाहरलाल नेहरू है, यूगोस्लाविया के जोसिफ ब्रॉस टीटो है, इजिप्ट के जो है गैमल अब्दुल नासिर है, गियोना के कामके निकुरमा है, और इंडोनेशिया के सुकर्णो है। तो इन सब के द्वारा जो है यहाँ पे NAM का जो है कॉन्फ्रेंस हुआ था। यहाँ पे 120 मेंबर है, वो भी 2018 तक, जिसमें कि 53 कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका के 29 है, एशिया के 26 है, लैटिन अमेरिका के, कैरेबियन के, एंड 2 है यहाँ पे यूरोप से। तो ये सब सारे जो है 17 कंट्रीज़ है, और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे NAM के ऑब्जर्वर हैं। तो ये तो इनकी बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। तो ये है क्या, एक्चुअली ये एक सबमिट हुई थी, ये फिफ्थ कॉन्फ्रेंस है इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया। इट मीन्स कि एशिया में इंटरैक्ट करने के लिए एशिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो आपस में इंटरैक्ट करें और कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, तो ऐसी मेजर्स लाने के लिए इस तरीके का सबमिट हुआ था, जो कि ताजिकिस्तान के दुशानबे में हुई थी। तो अब इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं, ये एक मल्टीनेशनल फोरम है। मल्टीनेशनल कहने का मतलब है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, जो कि अपने कोऑपरेशन को इन्हांस करी है, और कैसे अपने कोऑपरेशन को इन्हांस करेगी, एक शांति लाकर, एक सिक्योरिटी लाकर, एक स्टेबिलिटी लाकर, वो भी एशिया वाले रीजन में। यहाँ पे क्या है कि पॉलिसी बेस्ड होगा, यानी कि यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल रखे गए, कुछ सिद्धांत रखे गए जिसके ऊपर इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जाएगा, जैसे कि सॉवरेन इक्वालिटी होगा, हर एक कंट्री को अपनी इक्वालिटी दी जाएगी और हर एक कंट्री की सुप्रीमेसी को यहाँ पे जो है एक इक्वालिटी प्रोवाइड की जाएगी। नॉन इंटरफेरेंस होगा, अगर कोई भी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स होंगे, यानी कि इंटरनल मुद्दा होगा, जैसे कि हमारे इंडिया में कोई इंटरनल मुद्दा हो रहा है तो इसको जो है बाहर वाली कंट्री कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगी, उनका यहाँ पे हक नहीं है कि वो ताक झाक करे और अपना कुछ भी राय वगैरह दे, तो वो नहीं करना है। साथ ही इकोनॉमिक और सोशल और कल्चर कोऑपरेशन होगा, यानी कि हर एक पर्सपेक्टिव में यहाँ पे एक कंट्री दूसरे कंट्री को कोऑपरेट करेगी। अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे मेंबर बनने के लिए इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेट को ना यहाँ पे एशिया के टेरिटरी का पार्ट होना बिल्कुल भी ज़रूरी है। तो आप लोग मैप में देख सकते हो कि एक्चुअली हम लोग एशिया कह किसको रहे, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, एशिया कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ पूरा, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से पूरा, मतलब कि ये पूरा आप लोग देख सकते हो कि इसको एशिया ही कहते हैं। ठीक है, अब इसमें बात शर्त ये हो जाती है कि अलग अलग होता है, एक तो आपको नॉर्थ एशिया देखने को मिलेगी, ये हमारी ईस्ट एशिया है, ये साउथ ईस्ट एशिया है, ईस्ट एशिया और भी नीचे तक आती है। ओके, ये हमारी ईस्ट एशिया आती है, ये साउथ एशिया में आती है,
साथ ही साथ यहाँ पे साउथ वेस्ट एशिया है, ये सेंट्रल एशिया है। ये जो आपका दिखाया जा रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट आपका जो है चीज़ों को डिवाइड कर दिया गया, जिससे कि हम लोग अगर स्पेसिफिक पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग को साउथ ईस्ट एशिया के बारे में पढ़ना होता है, तो हम लोग इस रीजन पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि अच्छा कौन कौन सी कंट्री इसके अंदर आती है, वो एकदम से क्लियर हो जाता है। नॉर्थ एशिया के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पर हमारी जो नॉर्थ कंट्री है उसके बारे में हम लोग ध्यान रख लेते हैं। सेंट्रल एशिया में आप लोग पता है कि सेंट्रल एशिया में यहाँ पर जितने भी उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और आपकी जो तुर्कमेनिस्तान है, ये सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं। साउथ वेस्ट एशिया हम लोग देख लेते हैं, यही ऐसे ऐसे यहाँ पे हम लोग साउथ एशिया देख लेते हैं। तो इस तरीके से जो है ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके का आपका एशिया है, तो एटलीस्ट इसकी जो है आपका इस टेरिटरी के अंदर आना चाहिए। ओके, तो पूरे वर्ल्ड है जिसको हम लोग एशिया मैप भी कहते हैं। इस समिट की बात करें तो ये हर एक 4 साल में होती है। साथ ही यहाँ पे जो इसका फॉर्मेशन हुआ था वो एक प्रपोजल के द्वारा हुआ था, जो कि कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने दी थी। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो वो यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस जैसा है। साथ ही इंडिया की बात करूँ तो यहाँ के ये फाउंडर मेंबर हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग को ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है क्रिस चर्च। यहाँ पे आपका क्रिस चर्च कॉल टू एक्शन, ये है क्या? एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है क्रिस चर्च कॉल टू एक्शन, जो कि साइन किया गया था और अडॉप्ट किया गया था विद पार्टिसिपेशन। यहाँ पे 26 नेशंस है जिसमें इंडिया भी इसकी पार्ट है। तो ये जो इनिशिएटिव है, ये पहले गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस के द्वारा और न्यूजीलैंड के द्वारा लिया गया, जो कि टॉप सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं अगर क्रिस चर्च के बाद देखें तो। यानी कि जो क्रिस चर्च अटैक हुआ था, जो कि ऑनलाइन एक्सट्रीमिस्ट को कॉम्बैट करने के लिए और इंटरनेट को सिक्योर करने के लिए, तो उसके बाद जो है यहाँ पर फ्रांस और न्यूजीलैंड के गवर्नमेंट बाहर लेकर आए इस तरीके की इनिशिएटिव को। ये एक तरीके का यहाँ पे देखो कि एक कलेक्टिव और वॉलेंट्री कमिटमेंट है, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा और ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, जो कि यहाँ पे सारे प्रॉब्लम्स को देखते हैं जो भी वॉलेंट होती है। यानी कि अगर ऑनलाइन कंटेंट आप लोग देखते हो कि कोई कोई बहुत ही ज़्यादा वॉलेंट होती है, मतलब ऐसा देख के बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जिसको देख के गुस्से भी आते हैं, तो उस तरीके के कंटेंट को यहाँ पर हटाने के लिए इस तरीके का काम किया जा रहा है। यहाँ पर जो सिग्नेटरीज है इसमें फ्रांस है, न्यूजीलैंड है, यूरोपियन कमीशन है, आयरलैंड, नॉर्वे, सेनेगल और कनाडा, जॉर्डन, यूके, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, स्पेन, नीदरलैंड, स्वीडन और इंडिया है। तो ये सारी इसकी कंट्रीज़ हैं। यूएस की अगर बात करें तो वो यहाँ पर डिक्लाइन कर चुके हैं, यानी कि वो इस तरीके के कॉल को ज्वाइन नहीं करना चाहते, और जस्ट बिकॉज़ क्योंकि वो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रखते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस रखते हैं, जो कि इनका रीज़न है, जो कि इस तरीके के एग्रीमेंट को वो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। कुछ और सिमिलर इनिशिएटिव देख लेते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे टेक अगेंस्ट टेररिज्म, यानी कि टेररिस्ट के अगेंस्ट में जो टेक है, ये एक तरीके का इनिशिएटिव है जो कि यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है, और ये जो काम करती है ग्लोबल टेक इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करती है, जिसके द्वारा जो भी आतंकवादी का काम होता है उसको यहाँ पर टैकल कर सके। यानी कि बहुत सारे टेररिस्ट ऐसा काम भी करते हैं जो कि इंटरनेट का यूज़ करके भी वो आतंकवादी को फैलाते हैं, आतंकवाद वाला हमला करते हैं। तो इंटरनेट का यूज़ करके अगर वो इस तरीके का काम कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाए, उसके लिए यहाँ पर टेक अगेंस्ट इनिशिएटिव को लाया गया है। सेकेंड है यहाँ पर कि ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काउंटर टेररिज्म है, एक एक ये आपका इंडस्ट्री लीड इनिशिएटिव है, जो कि यहाँ पे अंगटेट के साथ यहाँ पे जो है क्लोज पार्टनरशिप के साथ काम किया जाता है, जिसमें जितने भी टेररिस्ट की एबिलिटी है कि वो यहाँ पे टेररिज्म को प्रमोट करे तो उसको यहाँ पे ख़त्म करना है। वायलेंट जो होता है इनका, जो यहाँ पे वायलेंट फैलाना जो होता है उसका एक प्रोपेगेंडा होता है टेररिस्ट का, कि वो यहाँ पे वायलेंट फैलाना चाहते हैं, तो उसको यहाँ पे रोकने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके का काम करती है यहाँ पे GIFCT। तो इसका आप लोग को एम पता होना चाहिए मेनली, ये सारे जो फोरम होते हैं ना इनका मेन मेन एम पता होना चाहिए कि इनका काम करने का तरीका क्या है और वो किस चीज़ पे बेस्ड है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि है अकाबा प्रोसेस। तो अकाबा प्रोसेस जो इस्टेब्लिश किया गया था, ये जॉर्डन के द्वारा ही इस्टेब्लिश किया गया था, जिससे जो रेडिकलाइजेशन है उसको काउंटर कर सके, अरब वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट है तो उनको भी यहाँ पे रोका जा सके, सॉरी, और जो मॉडरेट इस्लाम है उसको यहाँ पे प्रमोट कर सके। मॉडरेट इस्लाम को ये प्रमोट करने के लिए इस तरीके का अकाबा प्रोसेस जो है वो लाया गया है। उसके बाद है ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम GCTF। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये एक इनफॉर्मल अपोलोजिक एंड मल्टीलैटरल जो सीटी प्लेटफॉर्म है, इसको 2011 में लॉन्च किया गया था। ये जो डेवलप किया गया था कुछ मॉड्यूल्स को ट्रेनिंग करने के लिए, गुड प्रैक्टिसेस के लिए, और यहाँ पे ICT टूल्स को, जिसके थ्रू जो सीटी सिविल कैपेबिलिटीज़ है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथ हो सके, नेशनल स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे स्ट्रेंथ हो सके। इंडिया भी इसकी फाउंडर मेंबर है, तो इंडिया इसकी मेंबर है तो अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया की बात जहाँ जहाँ पर आती है वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, और अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है FATF वॉच लिस्ट। कहने का मतलब है कि FATF यानी कि फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो कि डिसाइड की है कि पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में रखना है, और ये कब तक? टिल 2020 जून तक। ऑफिशियली इसको हम लोग अदर मॉनिटर्ड ज्यूरिसडिक्शंस भी कहते हैं, तो ग्रे लिस्ट में अभी तक रहने की बात की गई है।
एक कंट्री को अगर ग्रे लिस्ट में रखा जाता है तो इसका मतलब है कि वो किसी भी डायरेक्ट लीगल और जो पेनल एक्शन है उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट वहाँ पे स्क्रूटनी इन्वॉल्व होगी। वो भी किस तरीके से? तो वॉच डॉग से, रेगुलेटर से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो है उसकी स्क्रूटनी और ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी। अब पाकिस्तान को यहाँ पे ज़रूरत है कि एक्शन प्लान वो यहाँ पे सबमिट करे FATF को, जिसके थ्रू वो ये बता सके कि वो अपने कंट्री में टेरर फाइनेंसिंग को ख़त्म करने वाले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म करने वाले हैं। टेरर फाइनेंसिंग कहने का मतलब है कि टेररिस्ट लोग को जो यहाँ पे पैसे वगैरह दी जाती है तो वो यहाँ पे इलीगल तरीके से दी जाती है, तो इसको ख़त्म करना है। मनी लॉन्ड्रिंग के कहने का मतलब है कि जो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है, तो वो काम भी यहाँ पे टेररिस्ट लोग का बहुत ज़्यादा होता है। गलत तरीके से मनी को हम लोग ब्लैक मनी कहते हैं, और सही तरीके से जो इसमें आप लोग टैक्स फिलअप करते हो उसको हम लोग वाइट मनी कहते हैं। तो ब्लैक मनी को यहाँ पे वाइट मनी में कन्वर्ट करने का भी काम किया जाता है, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो FATF को अब इस तरीके का प्लान उनको सबमिट करना होगा कि वो किस तरीके से अपने कंट्री में ये दो मुद्दे के अगेंस्ट में वो काम करेंगे। ये जो ग्रुप है ये पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में भी रख सकती है, और नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ में भी या फिर टेरिटरीज़ में भी रख सकती है। वो भी किसके साथ? तो नॉर्थ कोरिया और ईरान। अगर ये फेल हो गई, यानी कि इस तरीके का एक्ट लाने में, इस तरीके का कानून लाने में अगर फेल हो गई, तो FATF जो है उनको यहाँ पर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में भी डाल सकती है। अभी फ़िलहाल ग्रे लिस्ट में ही है। तो अब FATF के बारे में देख लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 1989 में। इसके हाउस आप देखोगे तो OECD में है, जिसकी हेडक्वार्टर आपके पेरिस में है। यहाँ पे 39 फुल मेंबर्स हैं, 37 मेंबर है जुरिस्डिक्शंस है, दो रीजनल यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन भी है और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल भी है। करेंटली आप देखोगे कि इंडिया भी इसकी मेंबर है। साथ ही इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि एक स्टैंडर्ड सेट करना है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशंस करना है, लीगल, रेगुलेटरी, ऑपरेशनल मेजर्स, जिसके थ्रू जो मनी लॉन्ड्रिंग है, ब्लैक मनी का जो धंधा है उसको यहाँ पे ख़त्म करे, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को यहाँ पे बंद करे, और दूसरे रिलेटेड थ्रेट्स जो कि यहाँ पे किसी भी कंट्री के, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर अगर यहाँ पे थ्रेट है तो उसको भी यहाँ पे बंद करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं रोहिंग्या इशू इन ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जहाँ पर रोहिंग्या इशू को ले जाया गया है, तो इसी को रूल किया जा रहा है। यानी कि जो म्यांमार है वो यहाँ पे इफेक्टिव मेज़र्स ले सकती है, मेज़र्स लेना भी चाहिए, जो कि यहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम्स जो उनकी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि कुछ प्रोटेक्टिंग एविडेंस लाना चाहिए जिसके थ्रू जो जेनोसाइड्स का आरोप लगा है उसके ऊपर। अब यहाँ पे देखते हैं बात क्या था। नवंबर 2019 में जो है रिपब्लिक ऑफ गैम्बिया, ये आपका ICJ में गई, वो भी म्यांमार के अगेंस्ट में, और यहाँ पे आरोप लगाया गया कि जो कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड है उसका वायलेट कर रही है म्यांमार। तो गाम्बिया और जो म्यांमार है वो दोनों पार्टीज है जो कि जेनोसाइड कन्वेंशंस की पार्टी है, और यहाँ पे पार्टी को अलाउ किया जाता है कि वो यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो जा सकते हैं अगर उनको लगता है कि इस कन्वेंशन के आर्टिकल 9 का हनन हो रहा है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है म्यांमार को ऑर्डर की है कि वो सारे मेजर्स ले जिसके थ्रू जो है वो यहाँ पे रोहिंग्या को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये सारी बातें की गई हैं। अब रोहिंग्या के बारे में देख लेते हैं कि इनको प्रोटेक्ट करने की बात क्यों की जा रही है। अगर आप लोगों को ध्यान है तो बहुत अच्छी बात, नहीं ध्यान है तो मैं आपको बताती हूँ। ये प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम ग्रुप है जो कि रखाइन स्टेट में रहते हैं। रखाइन स्टेट म्यांमार का एक रीजन है, वहाँ पर रहते हैं, वो भी वेस्टर्न कोस्ट में। ये एक डायलेक्ट है, यानी कि यहाँ पर आपको बंगाली बोलते हुए दिखेंगे, और जो कॉमनली स्पोकन बुर्मिस लैंग्वेज है उसको ये अपोज करते हैं। म्यांमार ना इसको कंसिडर करती है कि एक इस तरीके के लोग हैं जो कि माइग्रेट हुए हैं अपने लैंड से, जब कॉलोनियल रूल था ना तो उस समय जो है ये माइग्रेट होकर वहाँ आए हैं। तो इनको जो है ना रोहिंग्या को फुल सिटीजनशिप ग्रांट भी नहीं किया गया। म्यांमार वाले को ऐसा लगता है कि ये कहीं और से माइग्रेट होकर आए, तो इनको फुल सिटीजनशिप भी नहीं दिया जाता है। इंडिया जो है लीगली डिपोर्ट की है, यानी कि अपने कंट्री से डिपोर्ट कर दिए रोहिंग्या को म्यांमार में, और ये जो है हमारे इंडिया की बात करें तो ये पार्ट भी नहीं है। यानी कि यहाँ पर 1951 की जो कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजी है और 1967 की जो प्रोटोकॉल है उसकी इंडिया पार्ट भी नहीं है। तो ये दोनों जो लीगल इंस्ट्रूमेंट है ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ रिफर्मेंट का ये एक आपका प्रिंसिपल है, ऑब्लिगेशन होता है स्टेट पार्टीज़ को कि वो यहाँ पर रिटर्न नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया अपने जो है इस तरीके की जो रोहिंग्या, क्योंकि रोहिंग्या लोगों को यहाँ पे भगाया गया था म्यांमार से, तो रोहिंग्या कुछ जो है वो बांग्लादेश चले गए, कुछ जो है वो इंडिया आ गए, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में आ गए। तो इससे क्या हुआ है ना कि इंडिया में बहुत सारे लोग आ गए थे, अराउंड 40,000 के रोहिंग्याज पीपल डिटेक्ट हुए थे, तो उनको वापस से डिपोर्ट कर रही है। तो डिपोर्ट इसलिए कर पा रही है इंडिया क्योंकि इंडिया यहाँ पे दो कन्वेंशन का पार्ट नहीं है, एक तो 1951 की कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजी और 1967 की प्रोटोकॉल। अगर इन दोनों का पार्ट होती इंडिया ना, तो इंडिया इस तरीके से रोहिंग्या को डिपोर्ट नहीं कर सकती, वापस जो है उनके कंट्री नहीं भेज सकती। लेकिन हालांकि यहाँ पे इंडिया पार्ट नहीं है, तो इसलिए इंडिया आराम से इसको भेज पा रही है।
यहाँ पे इनको इलीगल इमिग्रेंट कहा जा रहा है इंडिया में, यानी कि इलीगल गलत तरीके से अपने कंट्री को छोड़ के हमारे कंट्री में आके बस रहे हैं, जिससे कि इसको इलीगल इमिग्रेंट कह रहे हैं। और इंडिया के पास जो है ना इस तरीके का कोई भी डोमेस्टिक लॉ नहीं है, प्रोसीजर नहीं है या फिर कोई कानून नहीं है जिसके द्वारा जो है रिफ्यूजी को हम लोग प्रोटेक्ट कर सके। तो प्रॉब्लम यही है कि जो अपने कंट्री से फोर्सफुली भगाए जाते हैं, दूसरे कंट्री में जाके बसते हैं, उनको हम लोग रिफ्यूजी कहते हैं। और जैसे हमारे कंट्री के पर्सपेक्टिव में आप देखोगे तो ये जो यहाँ पे म्यांमार से भागकर जो हमारे कंट्री में आए, तो गलत तरीके से हमारे कंट्री में एंट्री की है और साथ ही साथ जो है अपने कंट्री को छोड़ के हमारे कंट्री में आके बस रहे, तो इसको हम लोग इलीगल इमिग्रेंट कहेंगे। इसके रिस्पांस में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है ये यहाँ पे देखा जाता है। इंडिया जो इनको हेल्प कर रही थी बस ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे ही हेल्प कर रही थी, और यहाँ पे जो है ना हमारी तरफ से एक ऑपरेशन इंसानियत भी चलाया गया था, जिससे कि यहाँ पे जितने भी लोग आए थे रोहिंग्यास वाले, तो उनको यहाँ पे जो है ना बेसिक नीड्स हम लोग प्रोवाइड कर सके। तो ये भी आप लोगों को देखना है। ये इस मैप में आप लोग देख सकते हो, ये म्यांमार की टेरिटरी है, यहाँ पे रखाइन स्टेट है, ये रखाइन स्टेट है जहाँ पे रोहिंग्यास मुस्लिम रहते हैं। तो इनको यहाँ से भगाया गया, तो कुछ जो रोहिंग्या थे वो बांग्लादेश गए, कुछ यहाँ से निकल कर जो है इस वाले रीजन में भी आए, कुछ जो है इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है ये बहुत सारे यहाँ पे रोहिंग्यास आ गए थे इंडिया में और बांग्लादेश में भी। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन इंसानियत चलाया गया था इंडिया के द्वारा, तो वो यहाँ पे असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रही थी, यानी कि बांग्लादेश में भी जो रिफ्यूजी थी वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जो है यहाँ पे इंसानियत के नाते जो है उनको असिस्टेंस जो है हम लोग बांग्लादेश में भी पहुँचाए थे। अपने कंट्री में तो चलाए ही थे लेकिन देश में भी चलाए थे। ओके, तो अब यहाँ पे म्यांमार आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है बांग्लादेश से, इंडिया से और चाइना से यहाँ बॉर्डर शेयर करती है, साथ ही लाओस है, थाईलैंड है। ओके, तो इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, वन सेकेंड, ये कहाँ आ गए, इसके बारे में देख लेते हैं। ये कन्वेंशन बहुत बड़ी है, कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड। तो इसके अंडर में देखें तो इसको अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1948 में, जिसको ये जो कन्वेंशन है ये काम कब से करना स्टार्ट की है, तो 1951 में। 152 स्टेट है जो कि रेटिफाई कर चुकी है और इस ट्रीटी को मानती भी है। मोस्टली अभी आप रिसेंटली देखोगे कि मॉरिशस है जिसको जो इसमें अटेंड करी है 2019 में, इसको अपनी पार्ट बनाई है। इसमें अगर हम लोग देखें तो जीनोसाइड्स को जो डिफाइन किया जा रहा है लीगल टर्म में, अगर हम लोग देखें किसी भी तरीके का काम जो कि कमिट किया जाता है, यानी कि किसी भी जो कम्युनिटी है उसको बर्बाद करने के लिए, या तो किसी सर्टेन एरिया में, या तो उस पार्ट में, या तो नेशनल में, या तो एथिकल, या तो रेशियल, या तो रीजनल ग्रुप, किसी भी तरीके के लोगों को, यानी कि किसी भी तरीके के कम्युनिटी, चाहे वो रिलीजियस बेसिस में हो, चाहे वो रेशियल बेसिस में हो, गोरे काले का भेद हो, या तो कंट्री के किसी पार्ट में, या तो पूरे कंट्री में से इस तरीके का जो काम किया जाता है उनको डिस्ट्रॉय करने का जो कोशिश किया जाता है। तो इसमें और क्या क्या काम होता है, उनके ग्रुप के किसी भी मेम्बर को मार देना, या फिर सीरियस जो बॉडीली और जो मेंटल हार्म करना, या फिर इन्फ्लिक्ट किसी भी ग्रुप कंडीशंस में आप लोग देखोगे कि उनके लाइफ को किसी भी तरीके से थ्रेटन करना, फिजिकल डिस्ट्रक्शन करना, यानी कि वो जहाँ पे रहते हैं उनके घर को तोड़ देना, उनका सामान वगैरह सब कुछ तोड़ देना, साथ ही किसी मेजर्स को इम्पोज करना, यानी कि उनके बर्थ को प्रिवेंट करना, यानी कि और भी ज़्यादा उनका जनरेशन ना बढ़ सके, साथ ही यहाँ पर फोर्सली उनके ट्रांसफ़र करना, जो चिल्ड्रेन है उस ग्रुप के उनको दूसरे ग्रुप में ट्रांसफ़र कर देना। तो ये सारा काम जो किया जाता है ना इसको हम लोग बेसिकली यहाँ पर जीनोसाइड कहते हैं। ये डिफाइन किया गया है इस कन्वेंशन के तहत, तो इस कन्वेंशन के तहत जो डेफिनेशन है उसको आप लोग समझिए। इंडिया जो इस कन्वेंशन को रेटिफाई करी थी वो यहाँ पे 1959 में ही कर चुकी थी। अब कुछ और रिलेटेड न्यूज़ है जिसको देख लेते हैं। ये है भाषान चार आइलैंड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है, क्योंकि यहाँ पे 6000 से 7000 जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ है बांग्लादेश में, वो यहाँ पे रीलोकेट किए गए और नई तरीके के यहाँ पे कैंप बनाया गया भाषान चार आइलैंड में, जो कि ये बांग्लादेश में है। भाषान चार की बात करें तो इसको यहाँ पे थेंगार चार भी कहा जाता है, जो कि बे ऑफ बंगाल में है। ये जो आइलैंड है इसमें आपके हिमालय सिल्ट है 2006 में थे, और ये माउथ ऑफ रिवर मेघना में पाया जाता है। तो भाषान चार आइलैंड के बारे में पता होना चाहिए, न्यूज़ में है तो पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन, है कि नहीं। अब आते हैं इशू रिलेटेड टू सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी वाले पोर्शन पे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में, इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले देखते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीरियस की जो है पोस्ट क्रिएट की गई है, इसलिए ये न्यूज़ में है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्रिएट किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट की है जिसको कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो यहाँ पे इफेक्टिव लीडरशिप प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी टॉप लेवल पे, और टॉप लेवल पे वो भी थ्री विंग्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस में, यानी कि नेवी, आपका एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, तीनों का यहाँ पे एक कॉमन आपका एक पोस्ट बनाया गया है जिसको कहा जा रहा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ओके। तो यहाँ पे जो आउटगोइंग आर्मी चीफ है जनरल बिपिन रावत, वो यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं कि हमारे कंट्री के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। अब और कुछ बैकग्राउंड में चलकर देखते हैं,
जो फर्स्ट प्रपोजल दिया गया था इस तरीके का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने का, वो कारगिल रिव्यू कमेटी से आया था जो कि 2000 में सेटअप किया गया था। बाद में जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो टास्क फोर्स है उन्होंने यहाँ पे इस रिपोर्ट को स्टडी करी थी और फिर प्रपोज किया गया था कि हाँ इस तरीके का जो है हमारे यहाँ भी स्टाफ होना चाहिए। 2011 में नरेश चंद्र कमेटी जो है डिफेंस और सिक्योरिटी में उन्होंने अपनी सजेशंस दी थी कि अच्छा ठीक है इस तरीके की प्रपोजल को आगे बढ़ाना है। सकेतकर यहाँ पे कमेटी है 2016 में जिन्होंने अपनी भी ओपिनियन रखी थी सीडीएस के ऊपर। अब यहाँ पे देख लेते सीडीएस के बारे में। जो पोस्ट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो यहाँ पे रैंक ऑफ 4-स्टार जनरल के साथ बनाया गया, यानी कि 4 स्टार यहाँ पे हैं। इनकी सैलरी और जो यहाँ पे इनकी सैलरी और जो प्रिक्विसिट्स है ये सब कुछ इक्विवेलेंट है सर्विस चीफ के। सबसे पहले समझिए कि ये पोस्ट क्रिएट क्यों किया गया है। ये पोस्ट जो बनाया गया है ये जॉइंटनेस को, यानी कि हमारे जो है जितनी भी सर्विस है इस तरीके के डिफेंस में उसकी ट्रेनिंग प्रोक्योरमेंट सब एक साथ हो इसको प्रमोट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि जो रिसोर्सेज है डिफेंस की उसकी सही तरीके से इस्तेमाल हो। साथ ही यहाँ पे जो हमारे यहाँ की इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल करने के लिए वो भी सर्विस के द्वारा इसको प्रमोट किया जाएगा। तो ये 3 बेसिक रीज़न है जिसके बेसिस पे हम लोग जो है इस पोस्ट का क्रिएशन किए हैं। सबसे पहला जॉइंटनेस होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट जो यहाँ पे काम कर रही मीन्स यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में जो भी काम होता है ट्रेनिंग करना है प्रोक्योरमेंट करना है स्टाफिंग करनी है तो ये सारी चीज़ें एक साथ हो सकती है। साथ ही जो रिसोर्स है उसका बेटर तरीके से जो है एक अच्छा इस्तेमाल हो सकता है और हमारे कंट्री के जो यहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये 3 रीज़न है। 65 ईयर्स जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम सर्विंग एज रखा गया है, यानी कि जो भी लोग यहाँ पे 65 साल तक है वो यहाँ पे रह सकते हैं। सीडीएस में अगर देखें तो ये डिफेंस ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को ये हेड करेंगे और ये साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ बनाया गया है। इनकी फंक्शंस जो है वो एज ए सेक्रेटरी है। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखोगे कि फर्स्ट अमंग द इक्वल है ये सबसे पहले और इक्वल होंगे। साथ ही यहाँ पे अथॉरिटी दिया गया है कि वो एक डायरेक्टिव दे सकते हैं तीनों चीफ को। सीडीएस जो है वो यहाँ पे प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र जैसा काम करेंगे वो भी डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए, और ट्राई सर्विस जो मैटर है उसमें वो यहाँ पे जो है अपनी एडवाइस देंगे, यानी कि इंडियन आर्मी और जो एयरफोर्स है वो तीनों में ये अपनी जो है यहाँ पे ओपिनियन देंगे। जो 3 चीफ हैं वो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे कि वो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर को एडवाइस कर सकें वो सारे मैटर्स जो कि यहाँ पे सर्विस से आपकी रिलेटेड है। सीडीएस की बात करें तो वो यहाँ पे कोई भी मिलिट्री कमांड को एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जैसे कि 3 सर्विस यहाँ पे जो आपके चीफ है तो वो यहाँ पे करेंगे लेकिन यहाँ पे सीडीएस नहीं करेंगे। और साथ ही साथ ये परमानेंट चेयरमैन होंगे, जो भी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है उनके यहाँ पे परमानेंट चेयर है जिसमें कि तीनों सर्विस के चीफ जो है वो यहाँ पे इंक्लूड रहेंगे। उसके बाद और भी बातें देख लेते हैं। अगर यहाँ पे देखें एज अ परमानेंट चेयरमैन जो कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ये परमानेंट चेयरमैन हैं तो इनको क्या क्या फंक्शंस करना है क्या क्या काम करना है ये देख लीजिए। ये सबसे पहले एडमिनिस्टर करेंगे ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि साइबर और स्पेस से चीज़ें रिलेटेड होगी। सेकंड है कि ये जो है यहाँ पे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के भी मेंबर होंगे जिनको डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा चेयर किया जाता है, और डिफेंस प्लानिंग कमेटी के ये यहाँ पे आपके मेंबर होंगे जिनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी के द्वारा इसको चेयर किया जाता है, यानी कि डिफेंस एक्विजिशन के काउंसिल के मेंबर होंगे साथ ही साथ डिफेंस प्लानिंग कमेटी के भी मेंबर होंगे। फंक्शंस ये जो करेंगे ये मिलिट्री एडवाइज़र जैसा करेंगे, यानी कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में भी इनको एडवाइस करना है। इम्प्लीमेंट करेंगे 5 ईयर जो डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन प्लान है उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे, और 2 ईयर के लिए रोल ऑन करेंगे एनुअल एक्विजिशन प्लान, यानी कि एनुअल जो 1 साल का यहाँ पे प्लान बनाया जाता है एक्विजिशन करने के लिए एक्वायर्ड करने के लिए तो उसको यहाँ पे जो है ना डिफेंस सेक्टर में वो इम्प्लीमेंट करेंगे 5 साल के लिए। साथ ही इंटर सर्विस प्रायोरिटाइजेशन भी देंगे कैपिटल एक्विजिशन में, और उसके बाद जो है ना ये रिफॉर्म भी लेकर आएंगे तीनों सर्विस की जो फंक्शनिंग है उसमें किस तरीके का अगर कुछ न्यू चेंजेस लेकर आना है कुछ अमेंड करना है तो वो भी काम यहाँ पे ये कर सकते हैं। ओके अब फंक्शन देखते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री का क्या यहाँ पे फंक्शन है। तो यहाँ पे फॉलोइंग एरिया है जो कि डील किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। तो मिलिट्री अफेयर्स को डिपार्टमेंट को कौन हेड करे तो सीडीएस हेड करेंगे। तो इनके द्वारा कौन कौन से एरिया है जहाँ पे ये डील करेंगे, तो सबसे पहला है आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन, इनको आर्मी नेवी और एयरफोर्स कहते हैं। इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जिसमें कि आर्मी हेडक्वार्टर होंगे नेवल हेडक्वार्टर होंगे एयर हेडक्वार्टर होंगे और डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर होंगे। टेरिटोरियल आर्मी होगी, ये काम करेंगे जो भी आर्मी नेवी और एयरफोर्स से रिलेटेड होंगे। प्रोक्योरमेंट एक्सक्लूसिव होगी सर्विस का एक्सेप्ट यहाँ पे क्या तो कैपिटल एक्विजिशन की एज़ पर द प्रवेलेंट रूल्स एंड प्रोसीजर, यानी कि यहाँ पे प्रोक्योरमेंट का काम किया जाएगा जो भी सर्विस में होगी सर्विस के लिए जो भी काम की ज़रूरत होगी जो भी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो यहाँ पे किया जाएगा। तो ये जो फंक्शंस है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का जो कि यहाँ पे हेड कौन करेंगे तो सीडीएस इसको हेड करेंगे। आपसे पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को जो है यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर हेड करेंगे, तो इस तरीके का कन्फ्यूजन नहीं रखना। अब यहाँ पे सीडीएस इनको हेल्प यहाँ पे हेड करेंगे। अब आते हैं डैक के बारे में भी देख लेते हैं।
डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, कि डिसाइड करते हैं न्यू पॉलिसी, कैपिटल एक्विजिशंस यानी कि तीनों सर्विस के लिए कितना यहाँ पे कैपिटल प्रोवाइड करना है और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी कितना कैपिटल यहाँ पे प्रोवाइड करना है, एक्विजिशंस कहाँ से करना है, तो ये सारी टॉपिक्स पे यहाँ पे बात किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो इस काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। अब रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहला है IDSA, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करी है कि फिर से इसका नाम, इसके नाम को चेंज किया जाएगा और इसको रखा जाएगा मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस। ओके, तो कोई भी नाम चेंज किया जाता है तो इसका तो है हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। IDSA की बात करें तो ये ऑटोनोमस बॉडी थी और ऑटोनोमस बॉडी है डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, जो कि एक इसका ऑब्जेक्टिव है कि रिसर्च और पॉलिसी को यहाँ पे देखना, जो भी यहाँ पे डिफेंस और सिक्योरिटी से रेलिवेंट है तो यहाँ पे उसके लिए रिसर्च और पॉलिसी बनाना, तो इसके बारे में भी याद रखना है। इसका एम है कि जो नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी है उसको प्रमोट करना, वो भी यहाँ पे जनरेशन और यहाँ पे नॉलेज को रख के, यानी कि जो भी डिफेंस के डिफेंस फील्ड में जो भी नॉलेज है और सिक्योरिटी रिलेटेड कोई इश्यूज़ है तो इनके बारे में जो है ना यहाँ पे आपका नेशनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करना है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है इंडियन ट्राई सर्विस कमांड यूनिट। तो यहाँ पे एक इंडियन ट्राई सर्विस कमांड यूनिट पहली बार जो है यहाँ पे आपका बनाया गया है, यानी कि फर्स्ट चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्स स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन जो है इसको अपॉइंट किया गया है। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये ट्राई सर्विस कमांड ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज है, ये एक स्पेशल फोर्सेस कमांडोज हैं जो कि आर्मी पैरासूट रेजिमेंट की है, नेवी मार्कोस की है और एयर फोर्स गार्ड कमांडो फोर्स की है। ये जो थ्री यूनिट है ये आपका काम करेगी इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के अंदर और ये जो डिविजन्स हैं ये आपका जो है 3000 ट्रेंड कमांडोज होंगे जो कि वारफेयर को कैरी आउट करेंगे, वारफेयर को जंगल्स में, सी में अटैक करेंगे और रेस्क्यू करेंगे हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस को। हम यहाँ पे बात करते हैं कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये मिशन को कंडक्ट कराते हैं, जैसे कि किसी भी स्ट्रैटेजिक इंस्टॉलेशन को टारगेट करना है, हाई वैल्यू टारगेट करना है किसी भी टेररिस्ट के टर्म्स में या फिर वॉर फाइटिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ जो है ना यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है। बात यहाँ पे आपको देखना है कि इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के बारे में समझ लीजिए। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है, प्रायोरिटाइजेशन करनी है, वो भी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, तो ये इस चीज़ को कोऑर्डिनेट बना के रखती है। इसमें क्या है, रिप्रेजेंटेशंस आपको देखने को मिलेगा इंडियन आर्मी की है, इंडियन नेवी की है, इंडियन एयरफोर्स की है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है DRDO का भी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, तो ये सारे लोग इसमें इंक्लूड है IDS में। साथ ही इसको जो हेड करते हैं वो यहाँ पे चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ इसको करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे ड्यूटी चीफ भी रहेंगे इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के। ये जो बॉडी है ये एडवाइस करती है और यहाँ पे चेयरमैन होते हैं, यानी कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के यहाँ पे चेयरमैन होते हैं। साथ ही इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2001 में जब यहाँ पे कारगिल रिव्यू कमेटी थी, इसके रिकमेंडेशन के बाद जो है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ को बनाया गया था। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी देख लेते हैं, ये कमेटी है जिसमें कि थ्री कमांडर इन चीफ होते हैं, थ्री आर्म्ड फोर्सेस के, आर्मी के, नेवी के और फोर्सेस के, जिसको यहाँ पे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कहा जा रहा है। ये एडवाइस करते हैं डिफेंस मिनिस्टर को और इनको जो है इनके थ्रू सारे काम जो है जो भी मिलिट्री के द्वारा मिलिट्री से रिलेटेड है वो सारा काम यहाँ पे किया जाता है, वो भी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स के द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। तो इसके बारे में भी समझते हैं। इंडियन आर्मी जो है वो प्लान कर रही है कि एक न्यू इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जो है वो बनाया जाएगा, तो इसमें है क्या, सारी प्रोविजंस को देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप होगा क्या, इसमें ब्रिगेड साइज एजाइल सेल्फ सफिशिएंट कॉम्बैट फॉर्मेशंस होगा जो कि हम लोग स्विफ्टली लॉन्च कर पाएंगे, यानी कि स्ट्राइक कर पाएंगे किसी भी जहां पे भी स्ट्राइक करना है उसमें हम लोग स्ट्राइक कर पाएंगे। तो हर एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप जो है ना वो टेलर मेड बेस्ड होगा, यानी कि थ्रेट, टेरेंट, टास्क, ये तीन यहाँ पे आपकी 3T पे बेस्ड होगा। इन तीनों के बेसिस पे यहाँ पे काम किया जाएगा और रिसोर्सेज जो है वो यहाँ पे अलॉट किया जाएगा, यानी कि 3Ts के बेसिस पे जितने भी रिसोर्सेज है वो यहाँ पे अलॉट किया जाएगा। ये सब जो बैटल फॉर्मेशंस हैं इसमें हेवी फायर पावर होगी जो कि यहाँ पे कंबाइन करेगी इन्फेंट्री, आर्मर, आर्टिलरी, इंजीनियर्स, लॉजिस्टिक और सपोर्ट यूनिट को, जो कि एक साथ सारी नेसेसिटीज़ को यहाँ पे लाएगी और वॉर के अगेंस्ट में यहाँ पे अच्छे से फाइट कर पाएंगे। जो फर्स्ट थ्री इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स होगा उसको हम लोग यहाँ पे जम्मू के प्लेन में, पंजाब और राजस्थान वाले रीजन में जो है, यानी कि पाकिस्तान बॉर्डर में, इसको हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे।
जो इस्टेब्लिशमेंट है इस तरीके की ग्रुप को, उससे क्या होगा कि जो पुराने यहाँ पे फॉर्मेशन थे ट्रूप्स का ना, उसको ख़त्म करेंगे, जिसमें कि इंक्लूड क्या था, 8 से 10 यहाँ पे ब्रिगेड्स थी और हर एक के पास यहाँ पे 3 to 4 बटालियन थी। इंस्टीड एक यहाँ पे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 6 बटालियंस है, यानी कि 6-6 का यहाँ पे ग्रुप बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो 3 है वो यहाँ पे जम्मू वाले रीजन में, पंजाब वाले रीजन में और राजस्थान वाले रीजन में, मेनली जो हमारी यहाँ पे पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है ना, उस पर हम लोग इस तरीके की बटालियंस को रखेंगे। अब देखते हैं कि इंडियन आर्मी का हमारे यहाँ स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर हम लोग कमांड में देखें, जो कि लार्जेस्ट स्टैटिक फॉर्मेशन है आर्मी की, वो हमारे एक डिफाइंड ज्योग्राफी, जो भी ज्योग्राफी और जो कॉर्प्स है उसमें आपका जो है पूरी तरीके से फैली हुई है, एक लार्जेस्ट मोबाइल फॉर्मेशन है। टिपिकली अगर हम लोग देखें तो हर एक कॉर्प्स जो है ना, उनके पास 3 ब्रिगेड्स हैं। ब्रिगेड्स जो है स्मॉलेस्ट बैटल फॉर्मेशंस होता है, यानी कि यहाँ पे छोटी छोटी फॉर्मेशन है इंडियन आर्मी में। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप अगर देखें तो ये आपका और भी छोटा होगा, जो ब्रिगेड है ना उससे और भी छोटा यहाँ पे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप होगा, जो कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी और फास्टर तरीके से जो है ट्रूप्स को वो मोबिलाइज़ कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पे छोटे छोटे लोगों की ग्रुप होगी इंडियन आर्मी की, और जहाँ पे भी काम करना है तो वो आसानी से जो है ना, कम लोगों की ग्रुप होगी तो उसको आसानी से जो है मोबिलाइज़ कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे और काम भी बहुत अच्छे इफेक्टिव तरीके से होगा। तो यही बस काम किया जा रहा है। ओके, अब आते हैं आर्म्ड फोर्सेस के बारे में। स्पेशल पावर एक्ट है तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है आर्म्ड फोर्सेस को एक्सटेंड की है, वो भी नागालैंड में, और वो भी यहाँ पे और 6 महीने के लिए। तो अब इसके बारे में, आफसा इसको बोलते हैं, आफसा आसपास इसको बोलते हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये 1958 में इसका गठन हुआ था, वो भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर इनको दिया गया है। कुछ छूट भी दी गई है यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस को कि वो यहाँ पे डिस्टर्ब्ड एरिया में जो है ना चीज़ों को बिल्कुल सेटल कर सके। तो मेनली यहाँ पे जो आपका आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है ना, बस वहीं पर इनको इनका मीन्स एक होता है ना कि वहीं पर इनको डिप्लॉय किया जाता है और इनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भी दी जाती है। तो हर एक चीज़ देखते हैं आगे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर की बात करते हैं तो इसमें इनको क्या क्या पावर दिया गया है। सबसे पहला है कि ये फायर कर सकते हैं, यानी कि किसी पे भी फायर कर सकते हैं, यानी कि अगर इनको लगता है कि कोई भी संदिग्ध है, यानी कि कोई भी यहाँ पे जिससे कि खतरा हो सकता है, तो उन लोगों पे फायर कर सकते हैं और वार्निंग देने के बाद उनको फायर कर सकते हैं। अरेस्ट भी कर सकते हैं किसी को भी बिना किसी वारंट के, साथ ही किसी को रोक सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, यानी कि कोई भी व्हीकल हो, कोई भी वेसल्स हो तो उनको रोक के सर्च भी कर सकते हैं। आर्म फोर्सेज पर्सनल जो है ना, उनके पास लीगल इम्यूनिटी है उनके एक्शन करने का, यानी कि अगर वो यहाँ पे फायर कर रहे हैं या फिर किसी को अरेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी को गोली मार दी है, तो ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर लीगल एक्शन फिर लिया जाएगा, उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेगी, उनको इन सारी चीज़ों से छूट दिया गया है। आज के डेट में अगर हम लोग देखें कि कहाँ कहाँ पे ये स्पेशल पावर एक्ट है, तो ये हमारे इंटायर स्टेट ऑफ आसाम में है, नागालैंड, मणिपुर में है और अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट में है। मणिपुर में इम्फाल को छोड़ के जो है ना पूरे में है, यानी कि आसाम नागालैंड पूरे में है और अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट में है। तो यहाँ पे आफसा की बात करें तो ये 1958 में बनी थी। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दिया गया है, इम्यूनिटी दिया गया है, जिससे कि डिस्टर्ब एरिया को वापस से यहाँ पे एक अच्छे सिचुएशन में ला सके। एरिया जिसको कि हम लोग डिस्टर्ब कहते हैं, तो किस बेसिस पे हम लोग उस एरिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं, डिस्प्यूट है मेंबर ऑफ डिफरेंट रिलीजन के, रेशियल के, लैंग्वेज के, रीजनल ग्रुप के, या फिर कोई कास्ट ग्रुप के, कम्युनिटीज़ ग्रुप के, तो इनके बीच में अगर कोई भी बात को लेकर अगर किसी भी तरीके का डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है, वहाँ पे राइट्स है, दंगा है, तो उन सारे एरियाज़ को डिस्टर्ब्ड एरिया यहाँ पे आपका डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो उन सारे एरिया में इस तरीके के आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के जितने भी फोर्सेज होते हैं उनको वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया जाता है और फिर उसके बाद जो है वो अपना काम करती है, यानी कि उस तरीके के डिस्टर्ब्ड एरिया को फिर से नॉर्मल सिचुएशन में लाने का हेल्प करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट है और गवर्नर ऑफ स्टेट है और यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो कि डिक्लेयर करते हैं पूरे या फिर स्टेट के किसी भी पार्ट को कि वो यहाँ पे डिस्टर्ब्ड एरिया, यानी कि हक किसका है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, उस स्टेट के स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो उसके एडमिनिस्ट्रेटर भी ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि कौन सी एरिया यहाँ पे डिस्टर्ब्ड एरिया है या फिर नहीं है। एक बार डिक्लेयर होने के बाद ये जो रीजन है ना, इसको मेंटेन करना होता है, यानी कि मिनिमम 3 मंथ का यहाँ पे जो है कुछ स्टेटस इनको मेंटेन करना होता है, जो भी डिस्टर्ब एरिया एक्ट 1976 के तहत इसमें मेंशनड है। ओके, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है। अब एक एक्ट के बारे में देखते हैं जो कि अभी 2019 में बनी है और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी थी। तो ये है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो इसको पास कर दिया गया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से। अब इसकी कुछ अमेंडमेंट देख लेते हैं कि इसमें अमेंडमेंट क्या किया गया है। तो सबसे पहला है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो है ये आपका इनैक्ट किया गया है, जिसमें कि मोर इफेक्टिव प्रिवेंशन होगा। कोई भी तरीके का अनलॉफुल एक्टिविटीज़, यानी कि कानून के खिलाफ जो यहाँ पे आपका काम किया जाता है कोई भी इंडिविजुअल के द्वारा या एसोसिएशन के द्वारा, तो उसको यहाँ पे आपका संदिग्ध में लिया जाएगा, यानी कि इसको जो है देखा जाएगा। उसके बाद जो टेरर एक्ट एंटिटीज़ का जो स्कोप है उसको बढ़ा दिया गया है।
पहले क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही बस डेजिग्नेट कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अब यहाँ पे प्रिपेयर अगर यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं और वो किसी भी तरीके का कमिट कर रहे हैं, यानी कि टेररिस्ट में अगर वो इन्वॉल्व है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर टेररिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो उनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे जो है अच्छी तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन को डेजिग्नेट कर सकती है कि वो टेररिस्ट है। अब क्या है कि गवर्नमेंट को ये इस तरीके का पावर दिया गया कि किसी इंडिविजुअल को भी वो बोल सकती है कि वो उसी सेम ग्राउंड में कि इंडिविजुअल भी टेररिस्ट है। तो ये एक चेंजेस किया गया है। साथ ही अप्रूवल है, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी है उसको सीज़ करने के लिए, जब्त करने के लिए, पहले क्या था कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से जिनका ज़रूरत था कि वो यहाँ पे पहले अप्रूवल ले, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से, DGP जो होते हैं उनसे उनको अप्रूवल लेना होता था कि वो प्रॉपर्टी को सीज़ कर सके जो भी यहाँ पे टेररिज्म से कनेक्टेड है। अब क्या है कि जो इन्वेस्टिगेशंस है वो यहाँ पे आपका कंडक्ट किया जाएगा NIA के द्वारा, जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती है, और जो अप्रूवल है DGP का, NIA का, वो यहाँ पे ज़रूरत होगा कि वो यहाँ पे प्रॉपर्टी को सीज़ कर सके। पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे जिनको यहाँ पे ज़रूरत होता था, लेकिन अब ये तरीके का इन्वेस्टिगेशन जो है NIA को पावर दे दी गई है, यानी हमारे यहाँ की ये बहुत बड़ी एजेंसीज है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इस तरीके का पावर दे दिया गया है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है, और अगर उनको यहाँ पे प्रॉपर्टी को सीज़ करना है तो पहले वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से जो है, डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA से वो यहाँ पे जो है अप्रूवल लेगी। तो ये एक बड़ी चेंजेस है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे NIA को एम्पावर किया गया है, इनको बहुत तरीके की पावर दी गई है, तो इसके बारे में भी देखते हैं। पहले इन्वेस्टिगेशन जो कोई भी केसेस का होता था वो यहाँ पे जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे या फिर इससे ऊपर के जो रैंक वाले ऑफिसर थे उनके द्वारा कंडक्ट किया जाता था अगर कोई भी यहाँ पे केसेस को इन्वेस्टिगेट करना है। लेकिन अब क्या है, इस बिल में एडिशन कर दिया गया है कि जो NIA के ऑफिसर्स होंगे और या तो ये आपके जो रैंक ऑफ इंस्पेक्टर होते या फिर उस पर ऊपर होते, वो अब यहाँ पर केसेस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसके बाद एक और चेंजेस है, इंसर्शन किया गया है, यानी स्केड्यूल ऑफ ट्रीटीज़ को। यहाँ पे पहले क्या था कि 9 ट्रीटीज़ थी जिसको कि स्केड्यूल में लिस्ट किया गया था, जैसे कि कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग है, कन्वेंशन अगेंस्ट टैकिंग ऑफ हॉस्टेज है, और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे एक्ट जो डिफाइन करती है टेररिस्ट को उसमें क्या है कि कोई भी तरीके की ट्रीटीज़ के अंदर अगर यहाँ पे आपका कमिट किया गया है तो उसको हम लोग यहाँ पे टेररिस्ट कहते हैं। लेकिन इस बिल में क्या ऐड किया गया कि इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म को भी इस कन्वेंशन में एक्ट आपका इंक्लूड किया गया है। पहले क्या था कि यहाँ पे 1997 की थी, 1979 की थी, एक और यहाँ पे एक्ट को इंक्लूड किया गया है जो कि यहाँ पे सप्रेशन ऑफ एक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म है, इसको भी यहाँ पे इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। तो ये चार मेजर चेंजेस है जो कि आपको UAPA में ध्यान रखना है, UAPA में, इसको बोलते हैं UAPA में। अब यहाँ पे कुछ और लॉज देखते हैं जो कि हमारे टेरर एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करती है। तो सबसे पहला 1980 की यहाँ पे नेशनल सेफ्टी एक्ट है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, साथ ही साथ बहुत सारे स्टेट हैं जिसमें इनका खुद का अपना एंटी टेरर लॉज है, जैसे कि महाराष्ट्र का देख सकते हैं कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999 की है, छत्तीसगढ़ स्पेशल पुलिस सिक्योरिटी एक्ट 2005 की है, जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 की है, और आंध्र प्रदेश पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1992 की है। तो हर एक स्टेट अपने तरीके से जो है टेररिज्म को टैकल करने के लिए कानून लेकर आती है, तो इसके बारे में आप लोगों को उतना याद नहीं रखना है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग ये सारे स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपके स्टेट में किस तरीके का कानून चल रहा है। फिलहाल आप लोग को ये चारों चीज़ें याद रखनी है। इसी के साथ आप ये भी एक कानून देख लीजिए जो कि दोनों बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है, लेकिन डिफरेंस पता होना चाहिए, और यहाँ पे भी फिर NIA अमेंडमेंट एक्ट है, तो इसमें भी देख लीजिए कि किस तरीके का यहाँ पे आपका चेंजेस किया गया है। न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि पार्लियामेंट जो है रिसेंटली पास की है इस कानून को, जिसमें कि जो पावर और जुरिस्डिक्शन है NIA का उसको एक्सपेंड करने की बात की गई है कि और बढ़ाना चाहिए। NIA एक्ट 2008 की थी जो कि यहाँ पे जितने भी इंडियन के प्रीमियर काउंटर टेरर एजेंसीज़ हैं उनकी फंक्शनिंग होती थी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि यहाँ पे कब आया था, 26/11 जो मुंबई टेरर अटैक था उसके बाद इसको बनाया गया इस एजेंसी को। यहाँ पे जो NIA है ये सिर्फ ट्रूली फेडरल एजेंसी है हमारे कंट्री की, साथ ही साथ यहाँ पे FBI जो कि यहाँ पे आपका यूनाइटेड स्टेट की है, और मोर पावरफुल है अगर हम लोग CBI से बात करें, जो हमारे यहाँ सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है इससे भी ज़्यादा पावरफुल हमारे यहाँ जो है NIA है। NIA के पास पावर है कि वो स्यू मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकती है किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी की हमारे इंडिया में किसी भी पार्ट का, और किसी भी केस को रजिस्टर कर सकती है, किसी भी स्टेट में इंटर कर सकती है बिना किसी स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन से, और वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकती है और पीपल्स को अरेस्ट भी कर सकती है। यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इमेंस पावर यहाँ पे NIA को दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है।
की अमेंडमेंट देख लेते कि क्या क्या अमेंडमेंट किया गया है। तो पहले की जो कानून थी 2008 को, उसको अमेंड किया गया है। तो सबसे पहला है कि यहाँ पे जो ऑफेंस का स्कोप है, अपराध का जो स्कोप है, उसको बढ़ाया गया है। यहाँ पे जो हमारे इस एक्ट में जो स्कीड्यूल में रखा गया है, इसमें अपराध क्या क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अगर आप लोग ह्यूमन की तस्करी कर रहे हो, ऑफेंस जो भी यहाँ पे काउंटरफिट करेंसीज है, यानी कि जो नकली नोट जो होता है उसकी अगर आपका आवाजाही हो रहा है तो उसके रिलेटेड है, बैंक नोट का, या फिर यहाँ पे मैन्युफैक्चर और सेल जो भी प्रोहिबिटेड आर्म्ड है, यानी कि ऐसे हथियार बनाए जा रहे हैं जिनको रोका जा रहा है और उस तरीके के मैन्युफैक्चर हैं, या फिर साइबर टेररिज्म हो रही है, या फिर कोई भी अपराध जो कि एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 के तहत है। सेकंड यहाँ पे है कि जो ज्यूरिस्डिक्शंस है NIA का, उसको बढ़ाया गया है। अगर हम लोग ऑफिसर्स ऑफ NIA की देखें तो इनके पास अब पावर होगा कि वो यहाँ पे स्कीड्यूल इन्वेस्टिगेट कर सकती है कोई भी अपराध अगर इंडिया के बाहर किया जा रहा है। पहले तो था कि इंडिया के अंदर अगर किया जा रहा है तो उसी को देखा जा सकता है, लेकिन अब ऐसा भी है कि इंडिया के बाहर अगर कोई अपराध किया जा रहा है तो उसको भी देखा जाएगा, और ये सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होगी और डोमेस्टिक लॉज होंगे दूसरे कंट्रीज़ के। एडिशनल प्रोविजन अगर हम लोग देखें तो स्पेशल कोर्ट का भी दिया गया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, वो यहाँ पे सेशन कोर्ट को डेजिग्नेट कर सकती है एज ए स्पेशल कोर्ट कि यहाँ पे स्कीड्यूल ऑफेंस जो भी रखा गया है उसकी ट्रायल हो सके, और यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उसके कंसल्टेशन से, जिसमें कि सेशन कोर्ट जो है फंक्शन करती है। फर्दर आप देखोगे तो स्टेट गवर्नमेंट है जो कि यहाँ पे सेशन कोर्ट को भी डेजिग्नेट कर सकती है एज ए स्पेशल कोर्ट, जिसमें कि जितने भी स्कीड्यूल ऑफेंसेज हैं उनका ट्रायल यहाँ पे हो सके। तो इस तरीके का पावर भी यहाँ पे आपका बढ़ाया गया है। तो ये भी आप लोगों को टोटल ध्यान रखना है, सबसे पहला क्या है कि इंडिया के बाहर भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है, दूसरा है कि हमारे यहाँ जो सेशन कोर्ट है उसको स्पेशल कोर्ट जैसा यहाँ पे आपका माना जा सकता है, तीसरा है कि जो अपराध का यहाँ पे स्कोप है उसको बढ़ाया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे जो है सीओ मोटो कॉग्निजेंस लेने का भी है, यानी कि जब भी उनको लगता है कि कोई भी यहाँ पे टेररिस्ट वाला एक्टिविटी होने वाला है उसी समय वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, सारे लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं, बिना किसी परमिशन के किसी भी स्टेट में इंटर कर सकते हैं, बिना किसी स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन से, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, हमारे यहाँ इतना ज़्यादा टेररिस्ट अटैक हो रहा है तो उसको देखते हुए इस तरीके का जो है कड़ी नियम लाना ज़रूरी है। इस तरीके का कानून रहेगा तभी किस भी हम लोग जो है आगे और एक्शन ले पाएंगे। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, बट क्या करें, कंप्लीट करना ज़रूरी है कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट क्वेरी सजेशन है तो आप लोग कमेंट कीजिए, और अगर कोई भी आप लोग को और भी मीन्स वही डाउट क्वेरी सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। थैंक यू।